गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल हमारा आज का सेशन है अट्रीब्यूट टू अ विजनरी आर्टिस्ट हुज लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशंस यानी हिंदुस्तान में थिएटर को नया रूप और नई जिंदगी देने वाले हबीब तनवीर अदाकार ड्रामा निगार मौसीकार स्टेज डिजाइनर थिंकर पैसिफिस्ट ट्रूली अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी और आज के सेशन में वी विल एक्सप्लोर दी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क ऑन पीपल्स थिएटर एंड इन टन कल्चर एंड सोसाइटी वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर गेस्ट्स ऑन माई लेफ्ट इज़ डॉक्टर नाजर महमूद आप ऑथर हैं कॉलमिस्ट हैं एजुकेटर हैं और सोशल एंड पोलिटिकल कमेंटेटर ऑन माई राइट सफ़ीर खान हैं आप हैं एक्टिंग कोच और डायरेक्टर एट थिएटर वाले तो आज के सेशन में उम्मीद है कि हमें हबीब तनवीर साहब की लेगेसी उनकी उनकी फ़नी खिदमत, उसको सीखने को उनको समझने का मौक़ा मिलेगा और ये इसलिए भी बहुत अहम है कि इस बरस उनकी पैदाइश की सौ साल जो है वो क्या कहना चाहिए सेंटनरी है तो ये बिल्कुल बरमहल भी था कि द ब्लैक होल के प्लेटफॉर्म से उनको खराज तहसीन पेश किया जाए आ, कर ले अपने सेल फोन जो है वो सारे मोड में कर लें ताकि हम आज की गुफ्तु शुरू करें आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया नाजा साहब स्टेज अब आपके हवाले थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच नैर दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का आज जैसे कि अभी बताया गया हमारा मौजू थिएटर है और थिएटर की एक बड़ी शख्सियत हबीब नैर साहब और हबीब नैर साहब का कंट्रीब्यूशन पीपल्स थिएटर के तनवीर सॉरी हबीब तनवीर साहब तो so, जो हम बात करेंगे उसमें एक तो हम कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कॉन्टेक्स्ट में यानि हबीब तनवीर साहब ने किन हालात में थिएटर के काम का आगाज़ किया उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंसेस थे किन हालात के असरात उन पर हुए और इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जिसके थ्रू पहली मरतबा बर सग़ीर में पीपल्स थिएटर का कॉन्सेप्ट आया तो हम पीपल्स थिएटर के कॉन्सेप्ट भी बात करेंगे कि पीपल्स थिएटर दरअसल है क्या और वो बर सग़र में कैसे आया और उसको न सिर्फ़ हबीब तनवीर साहब ने बल्कि इनके साथ जो दीगर लोग थे जो चंद बड़े नाम हैं उन पर हम बात करेंगे हबीब तनवीर से पहले पीपल्स थिएटर पर बेवामी तौर पर जो काम हुआ है उस पर हम बात करेंगे जो जो ट्रेंड्स उस वक्त चल रहे थे जो रुझान थे थिएटर थे, के उस ज़माने में उस पर हम बात करेंगे और ये करते हुए हम आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे ताकि आप ख़ुद देख सकें क्योंकि आप में से बहुत से लोग शायद अभी तनवीर से वाकिफ ना हों ना ही आपने शायद ालिबन उनकी तस्वीर या कोई वीडियो देखी तो हम प्लान हमने इस तरह से किया है कि हम शुरू में एक उनकी उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है तो हम उस डॉक्यूमेंट्री का कुछ हिस्सा आपको दिखाएँगे शुरू में और ताकि आप सिमिलइज़ हो जाएँ उनके काम उनकी शक्ल और आपको ये पता लग जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद फिर आ, हमारे साथ सफ़रील्ला साहब मौजूद हैं आ, ये गुफ्तु को आगे बढ़ाएंगे और फिर मैं बात करूंगा और फिर बीच में हम कोशिश करेंगे कि उनके एक दो प्लेस की के टुकड़े भी हम आपको आ, वीडियो के ज़रिए यहाँ दिखाएं तो आ, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्यूमेंट्री का ज़रा टुकड़ा दिखा दें ताकि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें The creator, a man with an international background, in search is. of an Indian theatre, Habib Beer. <laughs> Dramatist and director, actor and teacher, has created a unique style that distinguishes him in Indian as well as world theatre.

हा परे लगा जी। सब अलग पीस के कैसे खवा दे सारे बात चलती तो अभी सब खावा देते हो रे कैसे करो अभी सरकारी ड्यूटी पे होबीब तनवीर हेज ब्रॉट प्रेजेंट परफॉर्म आउट फ्रॉम दर आइसोलेशन And given shaped their skills in a modern theatrical idiom. The theatre of Habib Tanvir, modern in form and content, speaks in the dialect of Chattisgarh, where his actors come from. Habib's wife Monica performs a unique role in this community of performers, concerned as she is with many details of their life and art. Habib Tanveer has not tried to transplant Chhattisgarhi performers into an urban context, but has tried to extend their frontiers within the framework of their traditional skills and mimetic faculties. He has nurtured modern dramatic and theatrical thought. His subjects are chosen from far and wide, from Indian folk tales to Bertolt Brecht. He has tried to assimilate such varied sources into the folk origin of his players. In terms of their experience and expression, their language and melody, their sense and sensibility. Habib Tanvir lives in Delhi, but his home is secluded from the pomp and pageantry of the Indian capital. Bair Sarai he is tucked away in a forgotten corner of South Delhi. Here is an almost rural ambience, virtually unchanged by urban influence, where Habib has lived and worked with his troop for years. full-time professionals, the players of naya theatre, rehearse round the year. they go back to their homes occasionally during harvest and festivals. recently, delhi civic authorities have terminated habib's lease at Bir Sarai and this little hamlet on the edge of delhi will be erased by a modern housing complex. for naya theatre, it will mean a change of scenario. Its effect remains to be seen, but for the moment, one cannot but be sad for the axe that is to fall upon a unique experiment in modern Indian theatre. कपड़ा तो बाप कह रहे नहीं नहीं है है फिर ग्राहक ग्राहक मन मन के कैसे में तो अब अभी तक जो इन्होंने चीजें दिखाई उसमें से दो तीन चीजें हमें पता लगती है एक तो ये छत्तीसगढ़ के, के थे अच्छा छत्तीसगढ़ का इलाका छत्तीसगढ़ पहले वहाँ का इंडिया का सूबा या स्टेट नहीं थी वहाँ सूबों को स्टेट कहते हैं रियासत ये मेरे ख्याल दो हज़ार दो या तीन में उसको अलग किया गया पहले ये एम पी मध्य प्रदेश का जो इलाका है उसका यह हिस्सा था तो चूँकि वहाँ पर इंडिया में आ, सूबे नए बनते रहते हैं जब तकसीम हुई थी तो उस वक्त भारत के दस सूबे थे आज तकरीबन तीस सूबे हैं और ये इसी तरह हुआ है कि वक्ता फ़वता वो उसमें रद्दबदल करते रहे तो ये इस तरह से छत्तीसगढ़ अब एक सूबे की शक्ल इख्तियार कर गया है इसमें कुछ इला कुछ इलाका जो है वो एम पी से लिया गया मध्य प्रदेश से कुछ इलाका बिहार से लिया गया तो ये बिहार और मध्य प्रदेश का बीच का इलाका है और ये ज़बान भी आप देख लें ये छत्तीसगढ़ी ज़बान कहलाती है और यहाँ का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है रायपुर आपने अख्तर हुसैन रायपुरी का नाम सुना होगा जो सबसे मशहूर बड़े एक राइटर थे वो भी रायपुर के ही थे तो अच्छा, एक छोटी सी सिर्फ पठान दोस्त बैठे हुए हैं कि इनके भी अबाव से गए थे एग्जैक्टली 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 बिल्कुल तो अबाव अजदाद नहीं बल्कि वालिद. वालिद ही हाँ, भालिद मैं भालिद... पहले यही मैं भी पहले यही समझता था कि आबाव अजदाद जैसे कई कई नस्लों पहले गए होंगे लेकिन मैंने अभी कल चेक किया तो पता लगा कि इनके अपने वालिद ही गए थे वहाँ और वहाँ जैसे उस ज़माने में बहुत से लोग यहाँ वहाँ जाके कारोबार करते थे तो कुछ काम वाम वह किया वहीं शादी कर ली तो ये इट वॉज तो फर्स्ट जनरेशन जो वहाँ ये रहे और खैर तो ये तो पहली बात कि ये जिस इलाके के थे दूसरी चीज़ जो हमने इसमें देखी वो ये कि इनकी कोशिश ये थी जो थिएटर का इन्होंने ट्रेंड दिया कि वो ये जैसे हमने यहाँ भी देखा कि मकामी जो लोग थे वहाँ के जो कि प्रोफेशनल एक्टर या एक्ट्रेस नहीं थे उनको उन्होंने इनक्रेज किया कि वो थिएटर में आए और ये एक अहम एलिमेंट है अवामी थिएटर का कि लोगों को शामिल करना है तो वो इन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया कि लोगों को आम लोगों को किस तरह से इन्वॉल्व करके थिएटर बनाया जाता है ये दूसरी बात तीसरी बात हमने ये देखी इनकी सिंपल लाइफ दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में एक दो कमरे का इनका मकान था आपने देखा कितनी पतली सी गली है वहाँ पैसे बनी हुई हैं और ये उस वक्त दिखाया यानी ये ये जो फिल्म बनी है ये 92 की डॉक्यूमेंट्री है एट दैट टाइम ही was ऑलरेडी 70 ईयर ओल्ड और उस वक्त तक ये उससे पहले इनको इंडिया का जो अली तरीन सिविल एवॉर्ड थे वो मिल चुके थे इंटरनेशनल एवॉर्ड्स ये बेशुमार हासिल कर चुके थे और राज्यसभा के मेंबर रह चुके थे सेनेट का मेंबर इनको बनाया गया था और वो भी मैं आऊँगा कि उसके भी एक दो अच्छे इंटरेस्टिंग वाक़्यात हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे तो आप देखें इनका लाइफ देखें कि इतना सब कुछ करने के बाद तो यानी जो फन के साथ जो लगन थी इनकी वो किस किस तरह की थी और तीसरी आखिरी बात जो हमने देखी जो अब भी हो रही है कि जिस घर में वो रहते थे उसको भी नोटिस दे दिया गया है और इस डॉक्यूमेंट्री को अगर आप आप देखेंगे तो उसको टूटता हुआ दिखाया गया है कि वो टूट गया है और मूवी जहाँ एंड होती है तो वो जिस जिस जगह पर उन्होंने इतना काम किया सारा किया वो उनको ढा दिया और वहाँ पर एक कमर्शल प्लाजा बन गया तो फिर वो दिल्ली छोड़ के वापस अपने रायपुर या भोपाल चले गए थे तो चलें इस तमहीद के बाद हाँ, ओवर टू यू सफिरल्ला मैं ये जानना चाहूँगा हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपनी गुफ्तु का आगाज़ कैसे करेंगे पीपुल्स थिएटर के बारे में बात करेंगे या हबीब तनवीर के बारे में बात करेंगे आप अपनी गुफगुओ का आगाज़ करें ठीक अच्छा ऐसा है कि हबीब तनवीर के बारे में ऑनेस्टली मुझे कुछ पता नहीं था फिर का इस प्रोग्राम का इनका करना था तो इन्होंने कहा करना है तो मैंने कहा अच्छा ये कौन है तो उसके बाद मैंने जाके सर्च किया और ये चीज़ें वीज़ें जो भी निकाली इसलिए मैं ज़्यादा गुफ्तू हमी हबीब तनवीर पर नहीं करूँगा वो तो मैं नाजर साहब के लिए छोड़ दूँगा लेकिन दूसरी साइड जो तो थी कि थिएटर और पीपल्स थिएटर वो उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि और क्या क्या थिएटर में हो रहा है और पाकिस्तान हम थोड़ा सा ये भी गुफ्तु करेंगे मेरा ख्याल है कि किसी तरह का कोई पैरल थिएटर या बहुत सारी टर्म्स हैं ये टर्म्स मैं थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेन भी करूँगा कि इंडिया में क्या हुआ कैसे बढ़ा अबीब तनवीर या और जो इनके साथी थे उन्होंने किया और उसके नतीजे में इंडिया की सोसाइटी पर क्या फ़र्क पड़ा और पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं हो सका तो क्यों नहीं हो सका या पाकिस्तान में किन लोगों तो, ने कोई थोड़ी बहुत कोशिश की और उनका कामयाबी या नाकामी वगैरह इस इस सारी पे हम बहस करेंगे मैं इस पे बहस इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई हतमी राय है मेरा नहीं ख्याल के नाजिर कायम कर सकते हैं या मैं कायम कर सकता हूँ या कोई भी कर सकता है सो हम इस पर बात करेंगे और कुछ सवाल आपके लिए छोड़ देंगे आप भी फिर बाद में जाके उस पर कुछ ढूंढिएगा तो इमीजिएटली uh, जो मेरा ख्याल है बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो थे थिएटर की किस्में बहुत सारी गिनवाई जाती हैं और उस पर एक बहुत बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तु हो सकती है uh, लेकिन अगर आप uh, और जनरली मैं ये जो तकसीम और हैं ये इस, इसके एक तरह से ख़िलाफ़ भी हूँ क्योंकि लकीरें खींचना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सी चीज़ इस लकीर के इधर है और कौन सी उधर है ये लकीरें खींचना कोई अच्छी बात नहीं है चीज़ों को डब्बों में बंद करना कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन हम समझने के लिए थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करते हैं तो अगर मैं देखूं तो मुझे मेनली दो तरह के थिएटर नज़र आते हैं अगर ब्रॉड सी एक तकसीम की जाए तो एक जिसे हम प्रोसिनियम में करते हैं प्रोसिनियम वो थिएटर है जो ऑडिटोरियम के अंदर होता है जिसका बड़ा एक प्रॉपर ऑडिटोरियम होता है वहाँ कोई लाइटिंग का निज़ाम होगा साउंड का सिस्टम होगा विंग्स होंगे पीछे आ, एक्टर्स के तैयार होने के लिए ग्रीन रूम्स होंगे वॉशरूम्स होंगे वगैरह 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 और हमारे पास इस्लामाबाद में ऐसा सिर्फ़ एक ही है जो पी एन सी ए के पास पास है वो उसको रन करता है उसके अलावा इस पूरे मयार पे पूरा उतरने वाला नहीं है इसके करीब करीब हैं एक दो और ऑडिटोरियम्स सो इसको जनरली ये समझा जाता है कि ये एक इलीटिस्ट है आ, इसकी अगर आप लुक्स पे जाएं तो भी आपको इलीटिस्ट लगता है कि एक्टर्स जो हैं वो एक एलिवेटेड सी स्पेस पे होते हैं ऑडियंस जो हैं वो एक और तरफ बैठे होते हैं आमतौर पे थोड़ा उनकी वो जो जगह है वो थोड़ी सी नीचे होती है तो उसमें एक वो वाला ग्रेंजर और वो सारी चीज़ें भी आपको नज़र आती हैं प्लस कॉस्ट्यूम और लाइट्स और साउंड और ये सारा कुछ और सेट डिज़ाइन हमने खुद जो पहला और एक ही पी में कर सके उसका 2011 में हमने किया था और उसके सेट पे उस वक्त 12 लाख रुपए लगे थे तो वो एक बहुत महंगा शौक बन जाता है आ, लेकिन इन चीज़ों ने कभी भी थिएटर भारत आर्ट फॉर्म्स जितनी भी हैं वो सबके लिए होती हैं सो इन चीज़ों ने कभी भी रोका नहीं तो मैं दूसरा ब्रॉड ये कि जो आ, आ, ऑडिटोरियम uh, में नहीं हो रहा उससे बाहर कहीं भी हो रहा है तो उसको मैं ब्रॉडली जो तकसीम कर रहा था वो इस तरह से कर रहा था कि एक ऑडिटोरियम में होने वाला इलेटेस्ट सा थिएटर है और दूसरा उससे बाहर है उसकी शक्लें आगे बहुत सारी हैं उन पर भी थोड़ी सी बात करूँगा uh, बाहर वाला मुझे इसलिए थोड़ा अवामी लगता है कि वो बाहर एक्सेसबल होता है वो किसी इनक्लोज स्पेस में जहाँ एंट्री रिजर्व है उस तरह की जगह नहीं है और बाहर कहीं हो रहा है तो फिर उसमें एक्सेस आम आदमी की ज़रा आसान होगी वो जा सकेगा अब उसके अंदर फिर बहुत सारी शक्लें हैं मसलन एक हम टर्म इस्तेमाल होती है सर्कल थिएटर ये बहुत सारा किया गया ख़ास तौर पर लेफ़्ट की जो तहरीकें चलती रहीं वो इसको अवाम में अवेयरनेस रेजिंग आप कह लें या टर्म आप कोई भी यूज़ करना चाहें कुछ लोग उसे प्रोपेगेंडा कहेंगे तो बहरहाल आवाम में एक सर्टन जो है आप ख़्याल बढ़ाना चाहते हैं आगे आपकी तहरीक के जो भी मकासद हैं वो हासिल करना चाहते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है तो सर्कल में ये होता है कि आपको कोई एलिवेटेड स्पेस नहीं चाहिए बेसिकली ये सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से उसको हम सर्कल कहते हैं कि एक्टर सारे जो हैं वो एक सर्कल में दरमियान में एक सर्कल बनाते हैं उसके अंदर वो परफॉर्म करते हैं और आडियंस उनके चारों तरफ मौजूद होती है अराउंड द सर्कल तो हर तरफ मौजूद होती है सो तो इसके लिए एक्टर्स की एक सर्टन टाइप की ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है कि क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि ऑडियंस आपके सिर्फ एक साइड पे है तो जब आपके ऑडियंस चारों तरफ मौजूद है तो फिर आपको एक खास तरह की ट्रेनिंग चाहिए जिसमें आप सबको इंगेज कर सकें ऐसे ना हो कि वो पीछे हैं तो उनकी तरफ आप मुड़े ही नहीं पूरे प्ले के दौरान तो इस तरह की एक ट्रेनिंग आ, ये पाकिस्तान में बहुत अब तक अब तो मेरा ख्याल नहीं हो रहा मैंने खुद ये किया है अपने इब्ताई दौर में क्योंकि मैं पंजाब लोक रास के साथ काम करता था और उसमें मैंने किया फिर मैंने खुद ये करवाया भी और रीसेंट उसमें वैसे एक एनिक डोटल से एडिशन कर देता हूँ कि 2020 में मैंने एक कोशिश की थी आ, हम लोगों ने प्ले तैयार कर लिया था प्ले मेरा अपना ही लिखा हुआ एक है मुखलसबाद की घुमन घेरियाँ और यानी बिल्कुल आखिरी वो परफॉर्मेंस डेट हमने रखी थी उसकी सत्ताईस मार्च दो की सत्ताईस मार्च इंटरनेशनल थिएटर डे होता है उस दिन हमने करना था लेकिन वो 22 या 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया था तो उस वजह से वो रह गया और वो हमने इतनी मेहनत की हुई थी उस पर कि क्योंकि ज़ाहिर है उन एक्टर्स के साथ मुझे ये वाला भी सारा काम करना पड़ा था कि सर्कल में कैसे परफॉर्म करना है तो उनकी ये वाली ट्रेनिंग भी फिर जो टिपिकल काम होता है कि आपने करेक्टराइजेशन पे या सीन्स पे और जो बाकी काम करना है वो तो है ही सो so, वो है उसके बाद मतलब को कह लें कि दिल ऐसा टूटा कि उस प्ले को दोबारा करने का अभी तक मेरा मेरी हिम्मत नहीं हुई सो so, सर्कल एक है जिन और जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं गली नाटक कह लें वो आप सर्कल को भी बज़ दफ़ा कहते हैं ये अगेन वो जो कन्फ्यूजनज आपको बनेंगे ना आ, लेकिन गली नाटक जरूरी नहीं कि वो सर्कल ही की शक्ल में हो वो हम ये भी करते हैं कि अच्छा गाँव में चले गए हैं किसी में तो कोई एक दीवार एक तरफ है किसी घर की तो उसके साथ खड़े हो गए तो एक साइड आपकी कवर हो गई बाकी है तीन तरफ आपके ऑडियंस है तो इस तरह भी हो सकता है सो तो उसकी जो शक्ल है उस पर बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है ख़ासतौर तौर पर जो अवामी थिएटर जब आप उसे कहते हैं एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो जो मेले ठेले का थिएटर था जो अब पाकिस्तान से चूँकि मेले ही ख़त्म हो गए हैं तो वो ख़त्म हो गया लेकिन वो पाकिस्तान इंडिया में इसकी बड़ी स्ट्रांग ट्रेडिशन थी और वो मोस्टली सर्कल वाले अंदाज में करते थे सो तो मैंने अपने बचपन में कुछ देखे बचपन या कॉलेज लाइफ स्टूडेंट लाइफ कह लें अब 20 बीस पच्चीस साल पुरानी बात है तो बचपन ही लगता है तो वो देखे हैं मसलन पाकपतन में एक उर्स था वहाँ पे मैं एक दफ़ा गया हुआ था तो वहाँ पता चला कि जो ट्रेडिशनल थिएटर ग्रुप हैं वो करेंगे तो मैं वहाँ रुक गया कि अच्छा मैं देखूँगा कि ये कैसे करते हैं सो वो देखा एक आध प्रोजेक्ट में हमें मौका मिला था तो हमने ऐसे ग्रुप्स जिन्होंने जो ऐसे मेलों ठेलों में थिएटर करते थे लेकिन फिर वो छोड़ चुके थे लेकिन छोड़े हुए बहुत अरसा नहीं हुआ था तो उनके कोई बुज़ुर्ग रहते थे तो हमने उनके साथ काम किया और उनको कुछ फंडिंग प्रोवाइड की कि आप हमारे लिए एक स्पेशल शो करें क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप उस वक्त कैसे काम करते थे तो उसमें हमने थोड़ा सा उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि उनका फाइनेंशियल मॉडल क्या था ये मेरा ख़ास तौर पर बड़ा पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है कि मैनेज कैसे फाइनेसिस कैसे मैनेज करते थे लेकिन उसकी तफसील में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि गुफ्तु और चीज़ें हैं अगर आप बाद में सवाल करेंगे इनमें से किसी भी चीज़ को फ़र्दर एक्सप्लेन करने के लिए तो उस वक्त मैं उस तरफ चला जाऊँगा इस पर थोड़ा सा आ, चले एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र कर दूं वैसे टर्म्स और बहुत सारी जो हैं वो चले उसको थिएटर ऑफ़ द ओपेस्ट के अंडर ही हम जिक्र कर देते हैं थिएटर ऑफ़ द ओपरेस्ट एक और तहरीक है जो कि ब्राज़ील से शुरू हुई अगस्तो बोआल और ये भी आप सर्च करेंगे तो ज़्यादा डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इसके अंडर भी फिर बहुत सारी शक्लें हैं जो उन्होंने की आ, मसलन वो इमेज थिएटर करते थे फोरम थिएटर एक और उसकी शक्ल थी एक इनविजिबल थिएटर उसकी शक्ल थी तो ये बेस मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये उसको कुछ को आप उसकी शक्ल की वजह से कह रहे हैं कि वो ऐसा मसलन फोरम थिएटर जो है उसमें चूँकि ऑडियंस के साथ डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती थी और सो उसको फोरम थिएटर जो है वो को पर्टिकुलर कम्यूनिटी का इशू उठाते थे और उस पर बात करते थे तो वो फ़ोरम का जो टर्म है वो इसलिए ज़्यादा उसमें आती है इमेज थिएटर में अ, ट्रिगर करने के लिए वो सर्टन इमेज क्रिएट करते थे सोसाइटी में जो भी कोई मसला बन रहा है जैसे हमने आमतौर पे एन के साथ बहुत किया आजकल भी एक एन मुझे कह रही है कि चाइल्ड मैरिजेस पे करें तो हम चाइल्ड मैरिज का कोई एक इमेज क्रिएट करते हैं स्टेज पे और उसके बाद डिस्कशन करते हैं उससे स्टोरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं वो पहले एक फ्री फ्रोजन इमेज के तौर पर रहता है फिर वो बाद में इट बिकम्स लाइफ और उसमें लोगों के पास भी ये गुंजाइश होती है कि आप बीच में आके किसी करेक्टर को चेंज करना चाहें कोई सजेशन देना चाहें या खुद उसको एक्ट करना चाहें अब वो खुद एक्ट करना चाहें उससे फिर मेरा ध्यान जाता है इंटरएक्टिव थिएटर एक और टर्म है जो पाकिस्तान में भी काफ़ी किया गया एक इंटरएक्टिव रिसोर्स सेंटर है वसीम साहब उसके मेट थे मेरे भी दोस्त थे उनके साथ मेरे मैंने उनसे सीखा भी है काफ़ी उनसे ट्रेनिंग्स ली हैं तो वो भी एक और उसमें उसकी शक्ल यही होती थी कि आपने सी, उसमें सीन किया कोई भी मसले पे और किसी पॉइंट पे रोक दिया और उसके बाद ऑडियंस से कहा कि अब आप आएँ और आके इस सीन को आप जिधर ले जाना चाहते हैं ले जाएँ सो अगर अब मैंने मिसाल चाइल्ड मैरिज वाली यूज़ की है तो अगर हम उसी को लेके आगे चलें तो एक बाप है जो अपनी तेरह साल की बच्ची की शादी करना चाह रहा है उसकी माँ है उस बच्ची का शायद कोई एक बड़ा भाई है ये तीन चार करेक्टर्स ने ये सीन जो है शादी पे जो बहस है इसको चलाया पाँच सात मिनट आठ मिनट ठीक है और फिर रोक दिया और उसके बाद ऑडियंस से कहा कि आपके ख्याल में इस मसले को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है इस सीन में क्या चेंज किया जाए तो किसी ने आके कहा कि अच्छा मैं बाप का रोल करना चाहता हूँ अब वो सीन दोबारा से हो रहा है और बाप जो है वो जो पहले बाप जिस तरह से बिहेव कर रहा था उससे कुछ मुख्तल बिहेव करने की कोशिश करता है ताकि वो चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके तो इस तरह जो भी आपके कम्युनिटी की मिसाइल हैं उसके मुताबिक आप एक सीन क्रिएट करते हैं शुरू में और उसके बाद आप ऑडियंस को मौका देते रहते हैं और इसलिए ऑडियंस को वो स्पेक्ट एक्टर कहते हैं स्पेक्टेटर नहीं कहते ठीक है तो उसके अंडर फिर ये इमेज थिएटर फ़ोन थिएटर एक और जो मैंने टर्म इस्तेमाल की थी इनविजिबल थिएटर इनविजिबल थिएटर में थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि एक आध दफ़ा मैंने भी ट्राई किया था वैसे लेकिन ये खासा ख़तरनाक काम है कि आप audience, लोगों को बताते नहीं हैं कि ड्रामा हो रहा है आप गली में जाके कुछ भी शुरू कर देते हैं तो so, सो हम भी जो करते थे उसमें आ, मतलब एक प्ले था जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में था तो उसमें मैं खड़ा हो जाता था ख़ुद और मैं इस तरह से बिहेव करता था जैसे मैं कोई वेंडर हूँ जो कुछ बेच रहा है तो आइए भाई जान मेहरबान कदरदान असलम आपका मेज़बान सफील्ला खान कुछ भी इस तरह से बोलना बोलना शुरू कर दिया और इतने में ज़ाहिर है वो जब मैं ये तमाशा कर रहा हूँ कुछ हरकतें वरकतें भी कर रहा हूँ तो लोग रुक रुक के देखना शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो रहा है ये कौन है ये क्या कर रहा है इसके पास है कुछ नहीं ये बेच के आ रहा है तो थोड़ी देर में ही हमारे लोगों के पास टाइम बहुत है सौ सवा सौ बंदा इकट्ठा हो जाता है ठीक है तो उसके बाद क्या होता था कि बच्चो हमारा एक एक्टर्स जो है वो वो भी उन्हीं लोगों के साथ जो कि इधर उधर हमने छुपाए हुए थे कोई इधर खड़ा है कोई उधर खड़ा है वो भी लोग इकट्ठे हुए उसके बीच में वो भी आ गए और उनमें से एक बच्चा रोता हुआ निकलता है तो वो रोता रोता जा रहा है कहीं तो मैं उसे रोकता हूँ बात सुन बात सुन बच्चे क्या हुआ है तू रो क्यों रहा है और किधर जा रहा है तू तो वो अब बताना शुरू करता था कि जी मैं मेरा जो है ना वो बाप ने मेरी माँ को बड़ा मारा है और मैं घर से निकल घर छोड़ के आ गया हूँ और इस तरह का कुछ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रामा तो ऑडियंस को गुआ? पंद्रह मिनट बाद रियलाइज़ होता था कि ये ड्रामा हो रहा है एक्चुअली क्योंकि फिर और करेक्टर्स बीच बीच में से आना शुरू हो जाते थे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि ऑडियंस में से भी कोई उठ के आ सकता है जो आपके स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है और उसमें सिचुएशन सीरियस भी हो सकती है मसा मिसाल के तौर पर अगर आप कोई मारपीट का सीन कर रहे हैं ऑडियंस में से कोई आके वो आपको मारना शुरू कर देता है तो इसलिए उसको मैं डेंजरस समझता हूँ बहुत बहरहाल ये कुछ चीज़ें थीं एक जनरल सी टर्म कम्युनिटी थिएटर इस्तेमाल होती है जिसमें मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और इमर्सिव थिएटर एक और टर्म है जिसपे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता वो मोरा लेस इंटरेक्टिव थिएटर टाइप की ही चीज़ है जिसमें ऑडियंस भी पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस होते हैं उसकी डायरेक्टर्स पे और टीम पे डिपेंड करता है कि वो उनको पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस कितना बनाते हैं उनसे कितना एक्टिवली काम करवाते हैं समटाइम्स वो कोई चीज़ उठा के रख लेंगे समटाइम्स अगर कोई लेट्स से फ़ौजियों का सीन है तो आपके ऑडियंस ही को उन्होंने चार फौजी बना दिया है इस तरह से यानी वो भी उस परफार्मेंस में शामिल होते हैं तो ये तीन चार पाँच किस्में थी Uh, मेरा ख्याल है कि uh, एक चीज़ हाँ जो मेरा ख़्याल है मैं इग्नोर कर गया हूँ जिस पर हमें कहीं ज़िक्र बीच में या बहस जरूर करनी चाहिए वो लाहौर में जो ये थिएटर होता है ठीक है अब उसको हम अवामी थिएटर गिनेंगे या नहीं गिनेंगे आ, उस पर भी बहस हो सकती है अब इस वक्त मेरा ख्याल है मैं इस पर हम कोई एक डिबेट करते हैं थोड़ी देर में तो इस वक्त मैं आपकी तरफ जो सवाल फेंकना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान में कोशिश हुई आ, उसका जैसे एक एक थिएटर रूप का आप भी हिस्सा थे दस्तक का हाँ उस पर दस्तक पे आने से पहले मैं थोड़ा हबीब तनवीर पे बात कर लूँ ठीक है क्योंकि वो फिर हम अब मौजूद से बिल्कुल हम एक तरफ चले जाएंगे शुक्रिया थीक थीक आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपकी बात हो गई या मुकम्मल मेरी बात अभी तक की मुकम्मल होगी ठीक है इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं इन्होंने पीपल्स थिएटर के बारे में बताया अच्छा हबीब तनवीर ने जिस माहौल में काम शुरू किया वो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि वो उन्नीस 19, उन्नीस में पैदा हुआ है उन्नीस सौ तेईस का क्या मतलब है कि उस वक्त भारत में क्या पूरा जो बर सग़ीर था पाकिस्तान तो था नहीं पूरे बर सगीर में जाहिर थिएटर तो होता था और उस वक्त जो थिएटर होता था थिएटर की पूरी एक तारीख रही है ना अच्छा थिएटर जो है वो इस समाज के लिए कोई नया न नहीं था खासतौर पर रामलीला और ये जो हिंदू हिंदू मत में जो रामायण और कहानियां हैं वो सारी कहानियां स्टेज होती रही हैं सदियों से लेकिन वो धार्मिक जिसको मजहबी थिएटर कहा जाए ना तो उसको अब ये कहना सिर्फ इसलिए कि अवाम उसको देखते थे उसको अवामी थिएटर कहना गालिबन ठीक नहीं होगा उसकी जॉनरा यहाँ पर हमें जाहिर है थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वो कैटेगरी जो है वो सिर्फ चूंकि अवाम देखते थे इसलिए उसको अवामी नहीं कहा जा सकता उसको धार्मिक थिएटर या मजहबी थिएटर ही कहा जाएगा बैन अवी तौर पर भी जो थिएटर का रुझान रहा उससे पहले वो ग्रीक थिएटर में भी आवाम का इन्वॉलमेंट इसलिए नहीं था कि जो थिएटर का मौजू होता था वो एलीट होती थी यानी कोई बादशाह है एडीपस कम्पलेक्स देख ले एडीपस रेक्स देख लें सोफ्लीस के प्ले देख लें यूरिपटिस के प्लेस देख लें जो तीन चार बड़े उस वक्त के राइटर्स थे वो सब तबके बाला को डिस्कस करते थे वो चलता रहा सर रस्तु के मुताबिक तो हीरो जो है वो कोई बादशाह या शहजादा ही हो सकता, हो, हो है। सकता है, है। शेक्सपियर तक भी हमें यही नजर आता है हाँ अच्छा शेक्सपियर ने भी जो प्ले लिखे उसमें भी अब हम देखते हैं कि किंग जॉन नजर आ जाते हैं आपको हेमलेट नजर आ जाता है बादशाहों की कहानियां हैं ज्यादातर शाही महलात हैं और उनकी साजिशें हैं कॉन्स्प्रेसीज हैं वो हैं वो वो चलता रहा लेकिन जो पीपल्स थिएटर की इसला आई ये इसको सबसे पहले जो इस्तेमाल किया वो एक रोमन रोलान नाम के एक राइटर थे प्ले राइट भी थे राइटर थे फ्रेंच थे उन्होंने एक मकाला लिखा था 1902 दो में वो नेट पे अवेलेबल है उसका नाम ही है पीपल्स थिएटर और उस पीपल्स थिएटर में उन्होंने ये कहा कि थिएटर जो है उस पर एलियट ने कब्जा किया हुआ है और उसको आवाम तक लाने की ज़रूरत है और उसको लेकर फिर दूसरा बड़ा नाम हमें गोरकी का नज़र आता है मैक्सम गोरकी का मैक्सम गोरकी ने उसको आगे बढ़ाया और उन्होंने भी यही कहा कि थिएटर जो है वो अवाम यानी वो उसको तबकाती तनाजुर में देखते हैं ना कि अब तक जो थिएटर रहा है वो तबका आला के कंट्रोल में रहा है इसको हमें अवाम तक लाना है इसलिए गोरकी ने भी जो प्ले लिखे ज़्यादातर वो अवाम पे फोकस करके लिखे यहाँ बर सखीर में जिन लोगों ने उस पर काम किया अच्छा कम से कम तीन चार नाम हमें नज़र आते हैं जिन्होंने पूरी बीसवीं सदी को मुतासर किया अवामी थिएटर में यानी हबीब तनवीर का अकेला नाम नहीं था एक दूसरा नाम बादल सरकार एक है बादल सरकार जो है वो बंगाली में थिएटर कर रहे थे ये छत्तीसगढ़ के थे आ, इसी तरह विजय तेंदुलकर एक हैं मराठी के प्ले आ, प्ले राइट उन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे अवामी अवामी उसको अवामी थिएटर कहा जा सकता है फिर गिरीश कर्नाट पे साउथ इंडिया में गिरीश कर्नाट जो जो फिल्म अदाकार भी बने और डायरेक्टर भी बने गिरीश कर्नाट उनके कई एक प्ले है। वो कर्नाटका में काम कर रहे थे कन्नड़ा जबान पर जो प्लेज उनके थे तो वो इस तरह से तीन चार हमें पहले हुए नाम नजर आते हैं और उनमें हबीब तनवीर सामने आते हैं अच्छा हबीब तनवीर के साथ ये हुआ कि ये थिएटर चूंकि भरपूर तौर पर करना चाहते थे 1923 में पैदा हुए तो 1943 43 में ये 20 साल के होंगे 1943 इसलिए अहम है साल के उस साल आ, इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई उसकी भी अस्सीवीं सालगिरह इस साल हो रही है ना तो ये उसके फाउंडर्स में तो शामिल नहीं थे लेकिन उसके दो तीन साल बाद ये 45 या 46 में हबीब तनवीर साहब बॉम्बे आके ये उसमें शामिल हो गए लेकिन उससे पहले ये बॉम्बे में रेडियो पे काम कर चुके थे जैडे बुखारी साहब के साथ काम कर चुके थे तो इनकी वॉइस ट्रेनिंग वॉइस अच्छी थी तो इब्तारी ट्रेनिंग इनकी हो चुकी थी फिल्मों से भी थोड़ा ताल्लुक़ रहा एक फ़िल्म में भी काम किया जो कि रिलीज़ नहीं हुई तो इस तरह से इनको फिल्म और थिएटर का थोड़ा सा रेडियो की ट्रेनिंग थी तो इब्टा जब बनी है इप्टा बनाने वालों में इप्टा एक अहम नाम है जो अभी तक वहाँ चल रहा है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएश इसको बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास का जो कि बाद में बहुत एक बड़े राइटर और डायरेक्टर की शक्ल में सामने आए धरती के लाल के नाम से उनकी एक मूवी थी जो उन्होंने बंगाल का कहत उस वक्त चल रहा था और कहत में जो लोग मारे जा रहे थे उस पर इप्टा ने प्लेस किए तो उसमें ये बड़े एक्टिवली शामिल हो गए हबीब तनवीर साहब उनके साथियों में बलराज साहनी थे जो बाद में बड़े अदाकार बने प्रेम धवन एक बड़ा नाम था आ, राइटर्स का इवन जो राज कपूर के वालिद पृथ्वी राज कपूर वो भी उसमें एक्टिव थे तो इस तरह के बड़े बड़े नाम उस वक्त उसमें शामिल थे इट्टा तो वहाँ पर ये उसमें कोई यानी इन्होंने समझ लिया कि 1945 सौ से लेकर उन्नीस तक हबीब तनवीर साहब ने वहाँ पर इट्टा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ मिलकर अवामी थिएटर किया और बेशुमार इन्होंने प्लेस तर्जुमे भी किए और आ, एक्टिंग भी की डायरेक्शन भी दी ये सारी चीज़ें की इन्होंने अच्छा अब उसके बाद क्या होता है कि ये 1950 के बाद एक क्राइसिस शुरू हो जाता है क्राइसिस ये आ जाता है कि ये लोग सारे लेफ्ट के लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम करते थे इंडिया आज़ाद हो गया आज़ाद होने के बाद वहाँ मरारजी डिसाई की हुकूमत आ गई महाराष्ट्र में बॉम्बे में और वो स्टॉन्च एंटी कम्युनिस्ट थे तो उन्होंने क्रैकडाउन किया मारा पकड़ लिया काफ़ी सारे लोग जेलों में चले गए तो इप्टा की सरगर्मियाँ खासी मअल हो गई लेकिन एक अगला जो मेजर स्टेप हबीब तनवीर की जिंदगी में आया वो उनका सबसे मशहूर और सबसे अच्छा प्ले जो उन्होंने 30 साल की उम्र में लिखा उसका नाम था आगरा बाजार अच्छा आगरा बाजार जो है वो उसके बाद यानी उन्नीस के बाद से आज तक 70 साल में दर्जनों मरतबा वो पूरे हिंदुस्तान में स्टेज हो चुका है आ, आ, वो उसके हम कुछ क्लिप आपको दिखाते हैं अभी वो प्ले जो है उसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं कि वो प्ले क्यों इतना आ, एक माइलस्टोन समझा जाता है एक तो लंबा बड़ा प्ले है यानी वो दो ढाई घंटे का प्ले है लेकिन उस प्ले में इतनी आवाम की इन्वॉलमेंट हो ये रहा था कि वो देवस देवस मार्थ डे को कहते हैं नज़ीर अकबर आबादी देवस वो मना रहे थे नज़ीर अकबर आबादी का दिन मना रहे थे अच्छा अब वो वजुमन तरफ़ी पसंद मुसनफिन जो थी वहाँ पर जाम मिलिया के आसपास उन्होंने कहा कि भाई एक प्ले तैयार किया जाए तो इनसे कहा गया यही रोल हबीब तनवीर साहब तो इन्होंने नज़ीर अकबर आबादी की नज़में अब नज़ीर अकबर आबादी हम ये जानते हैं कि वो बहुत अवामी शायर थे यानी कोई भी अवामी अदब की अगर हम बात करेंगे सगीर में या उर्दू में तो वो नजीर अकबर आबादी की गुफ्तगू के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता तो उस प्ले में इन्होंने क्या किया आगरा बाजार में कि नजीर अकबर आबादी की नजमें इस्तेमाल की और उन नज़मों में जैसे आदमी नामा बड़ा मशहूर है उनका दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी और मुफ्लिस गदा है सो है वह भी आदमी बड़ी अच्छी नज्म है वह नज्म उसमें शामिल की फिर बंजारा नामा सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा ये नजम अच्छा फिर वो नज़ीर अकबर आबादी इतने अवामी शायर थे कि वो किसी ककड़ी वाले ने कहा कि मैं ककड़ियाँ बेचता हूँ इस पर नज्म लिख दो तो उन्होंने ककड़ियों पे नजम लिख दी कोई तरबूज वाला आ गया उसने कहा कि जी मैं तरबूज बेचता हूँ मेरा तरबूज नहीं बिक रहा है उन्होंने तरबूज पर नजम लिख दी और वो सारी नजमें मौजूद हैं इतनी बड़ी कुलियात है उनकी और यानी ऐसी शायरी ऐसी अवामी शायरी मेरा ख्याल है ना उससे पहले ना उसके बाद किसी ने नहीं की तो ये इनका प्ले इसलिए हबीब तनवीर साहब का इतना एक मार्कतल आरा प्ले बन गया कि उन्होंने उन नज्मों को इस्तेमाल करके अवामी मसाइल जो थे वो उजागर करने की कोशिश की तो हम उसका एक क्लिप देखते हैं उसके बाद मैं आप मैं वापस दोबारा जी आप कुछ कह हैं जस्ट हाँ। एक थोड़ा सा हाँ। एडिशन के इनके बारे में जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी है हाँ। कि ये स्क्रिप्ट पहले नहीं लिखे जाते थे इनके ड्रामे अदाकार और सब इकट्ठे होते थे और डेवलप होते थे और स्क्रिप्ट बाद में लिखा जाता था हाँ। तो ये मेरे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग और नई चीज़ थी अगरचे मैंने थोड़ी सी इस तरह की कोशिश की है कि इम्प्राव के थ्रू तो हम भी आ, कुछ सीन वीन इस तरह से करवाते हैं लेकिन अल्टीमेटली मैं बहरहाल पहले लिखता हूँ और फाइनल प्ले जो है उसके बाद उसकी रिहर्सल और वो चीज़ें शुरू होती हैं लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट था कि आप पहले सीन लोगों से करवाते हैं और वो वैसे ही आप परफॉर्म करने के बाद फिर आपने औरों के लिए लिख दिया ताकि अगर कोई कल को कोई और करना चाहे तो स्क्रिप्ट मौजूद हो कि कि ये ये था हाँ, बिल्कुल और बेशुमार है इस तरह तरह से से उन्होंने सबके साथ मिलकर लिखे लेकिन ये प्लेन का अपना लिखा हुआ है, जो अच्छा। आ, आगरा आगरा जो है। तो आगरा आगरा बाजार बाजार तो वो हमने निकाली निकाली थी शहर उनकी एक नज़्म है, नजीर अकबर मुसीबत में मुबतला

में खत्म हुआ जाता है सवेरे से 200 सौ लड्डू बेच चुका हूँ अभी है, तो गड़ी मिले मिले, भी 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 है। दो गड़ी बात मिले न मिले मेरी जगह पर बैठा है सवेरे से 200 सौ लड्डू बेच चुका हूँ फिर क्या कहूँ दस दिन से एक लड्डू नहीं बेचा व्यापार की बात है मेरी जान यहाँ बातों के पैसे मिलते हैं ढेली की देखा लो तू मेरी जगह सबसे चल जाए अभी तू अता क्या क्योंकि जवान तो चला रहे ना नाक की फुलंग में दबका दिया अम्मा बाबा घर के मर गए हम आपस में फंस गए अब एक ये तो खून उठाता है अबे बाज आजा ए गाड़िया तू तो किधर से नमूदार हो गया अरे जा यहां से देखता नहीं गाली चीज को देखकर रात तक जाते है है <laughs> मखरेज करता है खुदा कसम ये अपने बाप से भी खिल्लीबाजी करता है कपड़े की, की चार कपड़े के स्टॉकिंग है

और फिर वो बैक एंड फोर्थ गुफ्तु करते हैं अच्छा इन्हीं दुकानों में एक दुकान जो है वो किताबों की है एक कातिब है तस्करा नगार हैं यानी एक रिलेटिवली जिसको कहें ना अपर क्लास तबका है उम्रा के भी कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग आते हैं वह लुक डाउन अपॉन दिस पीपल जो इनको नीच, नीचे देखते हैं अच्छा ये तब्दीली चाहते हैं कि यार ये कारोबार नहीं चल रहा है हम तब्दीली हो ये हो फिर वो नज़में गाते हैं और फिर जब वो जो कातिब हैं और कुतुब फरोश हैं और वहाँ पर जो शुरा बैठते हैं उनकी जो गुफ्तु है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है तो इस प्ले की खास ये मतलब मैंने पूरा देखा है ये ढाई घंटे का प्ले लेकिन मैं इसमें बोर नहीं हुआ यानी जब आप लेकिन इसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एक तो ये कि शायरी से दिलचस्पी होनी चाहिए जो नज़में इसमें इस्तेमाल की गई हैं बहुत ही जानदार और बहुत ही पर्टीनेंट हैं वो और ज़बान उसमें समझ आ जाती है।, नहीं ऐसी नहीं है क्योंकि जैसे यो भई ये ये जो गा रहे थे ये क्या गा रहे थे इस है, ये ये है नजीर अकबर आबादी की नजम का एक हिस्सा है है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंद रहती है तबा सोच में ले लो नहार बंद दरिया सुखन दरिया सुखन का फिक्र दरिया सुखन की फिक्र का है मौजदार बंद हो किस तरह ना मुंह में जबा बार बार बंद जब आगरे की खलक का हो रोजगार बंद और ये पूरी लंबी तवील नज्म है जितने हैं आज आगरे में कारखाने जात सब पे पड़ी हैं आन के रोजी की मुश्किल किस किस के दुख को रोइे और किस की बात रोजी के अब दरख्त का हिलता नहीं है पात ऐसी हवा कुछ आके हुई एक बार बंद जब आगरे की खलक का हो कारोबार बंद अब ये देखें कितना आज ये लगता है आज का नहीं है ये 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 जो मिसरे हैं जो अल्फाज हैं जो ये बिल्कुल लगता है कि ये आज के दौर और सारी चीज़ें इसमें ये पूरी ये मैं इसका वो लाया हूँ ये अवेलेबल है नेट पे ये आगरा बाजार इसका ये स्क्रिप्ट है पूरा स्क्रिप्ट है ये नेट पे अवेलेबल है मैंने तो उसको प्रिंट आउट करा के रखा हुआ है और जो लोग इंटरेस्टेड हों थे थिएटर में काम करने वाले वो इसका एक छोटा वर्जन यानी ये तो ढाई घंटे का है इसका एक घंटे का वर्जन एक सीधा सीधा नज़में निकाल के बनाया जा सकता है अवानी थिएटर के के लिहाज से तो ये इनका सबसे बड़ा आ, आ, कारनामा था उसके बाद इन्होंने और दूसरे प्ले लिखे आ, जैसे इनका एक प्ले था चरणदास चोर चो, हाँ आप बात करना चाहेंगे उसके नहीं बस वो जो पहला क्लिप सबसे इसको, आपने देखा इस, इसको वो चरणदास चोर में से ही था जिसमें एक पुलिस वाला था जो वो खुद रोल प्ले कर रहे थे और दूसरा चरणदास चोर था बाकी आप डॉक्यूमेंट्री से तो चरणदास चोर एक राजस्थानी राजस्थानी फोक टेल थी उसको लिया तो हबीब तनवीर का क्या कमाल था वो ये क्या करते थे कि फोक टेल्स यानी लोक कहानियाँ ले ली उसको मौजूदा हालात के मुताबिक तब्दील किया अच्छा थे ज़्यादातर इन्होंने जो प्लेयर्स उसमें इस्तेमाल किए एक्टर्स इस्तेमाल किए वो अवामी इस्तेमाल किए फिर ये ये उन्नीस सौ चौवन में ये इन्होंने आगरे में प्ले किया और ये करने के जब वो तीस साल के थे फिर इनको बाहर जाने का मौका मिला कोई स्कॉलरशिप मिल गई तो ये राडा रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन चले गए वहाँ से कुछ अच्छा सीखा फिर ओल्ड वे के एक, एक और थिएटर एकेडमी वहाँ चले गए फिर जर्मनी चले गए ब्रेस्थ से इनकी मुलाकातें रहीं अच्छा ब्रस्थ का एक बड़ा नाम है ना थिएटर में ब्रस्थ पर आप कुछ बात करना चाहेंगे बरस्त के कंट्रीब्यूशन पर अच्छा ब्रेक जो थे जो मैंने दो, दो तीन नाम लिए ना जिनको जो लोग इंटरेस्टेड हैं जो पढ़ना चाहें देखें एक तो रोमन रोलान का मैंने नाम लिया कि जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पीपल्स थिएटर का लेकर आए 1902 में अपना जो उन्होंने पेपर लिखा आ, मजमून लिखा एसे वो भी नेट पे अवेलेबल है फिर उस पर इन्होंने लिखा गोरकी ने लिखा उसके बाद एक बड़ा नाम है जिसको भूलना नहीं चाहिए बेवामी तौर पर लोरका गारसिया लोरका अच्छा गार्सिया लोरका जो थे वो इस्पेनिश थे और इस्पेनिश उस वक्त के जो स्पेन के हालात है वो अंदलूसिया के थे गरनाताा जिसको हम कहते हैं ग्रेनाडा के थे जो कभी अरबों के कंट्रोल में रहा था और वो उन्होंने ज़्यादा उम्र नहीं पाई लोरका ने लोरका जो है मेरा ही वॉज थर्टी एट वैन ही वॉज किल्ड अड़तीस साल की उम्र में उनको मार दिया गया उन्नीस में अच्छा उनके प्लेस जो हैं वो भी उन्होंने उस पर जो लिखा है ना वो भी पीपल्स थिएटर के बहुत बड़े अलमबरदार थे बैन अवी तौर पर मसलन उनका एक और वो उस वक्त उस माशरे की घुटन और जेंडर सेंसिटिव इतने ज्यादा खुतिन के मसाइल के बारे में बात करना जैसे उनका एक प्ले है आँ, हाउस ऑफ बर्नाडा एल्बा अब बर्नाडा नाम की एक औरत है जो एक, एक आमिर वो एक आमरीत या एक ऐसे समाज की नुमाइंदगी करती है जिसने माशरे को सप्रेस किया हुआ है उसकी चार बेटियाँ हैं किसी बेटी की वो शादी नहीं होने देती उस औरत का शोहर मर गया है उसके मर मर के उसको आठ साल हो गए जब वो मरा तो माँ ने ऐलान कर दिया कि आठ साल इसका सोग मनाया जाएगा अब आठ साल तक उसने वो सोग मुसलत किया है लोगों के ऊपर जैसे अब हमारे यहां होता है ना कि अब वो शहीदों का शोक खत्म ही नहीं होता हमारा जो चला ही चला जा रहा है चाहे मुसलत कर दिया गया है सत्तर साल से कि एक नहीं तो दूसरा तो वो जब वो आठ साल बाद जब वो शोक खत्म होने वाला होता है तो वो माँ खुद एक अपनी बेटी को मार के फिर आठ साल के शोक का ऐलान कर देती है के मजद सो गए तो मतलब ये इस तरह की चीज़ें हैं अवेलेबल जो कि पाकिस्तानी माशरे से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं जिनको निकाल कर और वो अवामी थिएटर का बहुत बड़ा बड़ा प्रोपोनेंट था और उसको लेके आके ब्रेख्त चले हैं बर्टोल ब्रेख्त ब्रेख्त जर्मन थे और उन्होंने एपिक थिएटर एपिक थिएटर हो या उसको बाद में उन्होंने डायलेक्टिक थिएटर नाम दिया बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्ले उन्होंने ब्रेथ ने किए तो हबीब तनवीर साहब ने ब्रेक्थ से भी मुलाकात की उनके साथ रहे सीखा ब्रेस्थ भी जल्दी फौत हो गए लेकिन वो ये फिर हबीब तनवीर साहब चार तीन चार साल वहाँ रहकर फिर वापस आए और फिर वापस आने के बाद इन्होंने वो एप्टा तो एक तरफ रह गया फिर इन्होंने उन्नीस सौ मेरे ख्याल अट्ठावन या उनसठ में नया थिएटर के नाम से अपना थिएटर का ट्रूप बनाया अपनी थिएटर की कंपनी बनाई और उसके तहत इन्होंने अगले जो 40-50 साल थे ही फुली डेडिकेटेड हिज लाइफ टू पीपल्स थिएटर, अवामी थिएटर के लिए उन्होंने पूरा पूरा काम किया जी ओवर टू यू अच्छा इस पे अब क्या हम थोड़ा सा आ, ब, मैं, मैंने तो खैर आपके लिए ये सवाल रखा हुआ था कि इ, इस सारी थिएटर की जो इसमें इंडिया में क्या हुआ इसका यानी असरात क्या हुए फ़र्क क्या पड़ा सोसाइटी को और आ, पाकिस्तान का जो हम कोई कंपैरिजन इसके साथ करें तो हमें क्या लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं आ, इंडिया में ये हुआ कि चूँकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जमहूरी सोसाइटी थी तो उसमें वो क्रैकडाउन तो उस वक्त हुआ क्योंकि उस वक्त ये जो लेफ्ट के लोग थे उनकी भी ये गलती ये थी कि उन्होंने उस आज़ादी को आज़ादी मानने से ही इनकार कर दिया था न सिर्फ ये कि माने वो फैजन कहा कि ये दागा उजाला इस सबके चीज़ा शायद चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी लेकिन उन्होंने ये किया बॉम्बे में और इधर उधर उन्होंने जुलूस निकालने शुरू कर दिए उन्होंने कहा हम इसको मानते ही नहीं ना हम जमहूरियत को मानते हैं ना आइन को मानते हैं ये सारा भोरशुआ है और इसका हल जो है वो सिर्फ़ ये है कि इस सिस्टम को तब्दील किया जाए और इनकलाब हम इनकलाब के दहने पर खड़े हुए हैं और एक सोशलिस्ट इनकलाब आने वाला ये इंतहा पसंदी का पीरियड तीन चार साल का था 1948 से 1952 तक फिर बावन के बाद वहाँ उनकी तब्दीली हुई तो उसके बाद आपके सवाल का ये जवाब कि क्या कंपैरिजन ये होगा कि उसके बावन के बाद फिर बड़ा यानी कम से कम 20 साल का पीरियड है जहाँ उनको हर तरह की खुले खुलकर काम करने का मौका मिला थिएटर ग्रुप्स पे कोई पाबंदी नहीं थी बल्कि स्टेट ने पैट, पैट, उनको पेटरनाइज किया स्टेट फंडिंग होती थी आ, कौमी सतह पर थिएटर को प्रोमोट किया गया इब्राहिम अल काजी नाम के एक बहुत बड़े नाम थे जिन्होंने नेशनल थिएटर बनाया तो वो काम होता रहा फिर थोड़ा सा क्रैकडाउन इंदिरा गांधी की एमरजेंसी के दौर में आया लेकिन उसके बाद फिर पिछले तकरीबन पैंतालीस साल से वहाँ पर थिएटर खुल के काम कर रहा है उसके मुकाबले में हम पाकिस्तान में अगर देखें तो हम हमारे यहाँ जो थिएटर हुए वो बड़े हल्के फुलके थिएटर हुए उस ज़माने में मिर्जा गालिब बंदर रोड पर बना दिया आ, जो ब, ब, बड़ा मशहूर हुआ किसी जमाने वगैरह के जो जोगा बना दिया वो भी हल्का फुल्का तंजिया सा प्ले लेकिन उसमें कोई ऐसी चैलेंज करने वाली बात नहीं थी चैलेंज करने वाली बात फिर वो एट्टीज के दौर में जनरल जया उलख के दौर में जो थिएटर बने उसमें जिसमें मुझे भी एक थिएटर के साथ काम करने का मौका मिला असलम अजहर की सरपरस्ती में दस्तक थिएटर ग्रुप उसमें हमने बरीशत के गोरकी के बड़े अच्छे अच्छे प्लेज़ ट्रांसलेट करके गलीलियों गलीलियो गलेली पे जो बरीशत का प्ले है गलीलियों की दास्तान के नाम से वो मंसूर सईद ने जो सानिया सईद के वालिद हैं उन्होंने उसका तर्जुमा किया था वो हमने स्टेज किया था और गलीलियों ने को किस तरह से सज़ा दी गई वो वो सारा उसमें बड़ा वो भी बड़ा तवील प्ले है तो ये सारी चीज़ें करते रहे हम लेकिन फिर ग्रेजुअली ये हुआ कि वो कोई भी ग्रुप ज्यादा से रहता नहीं है फिर फिजल आउट हो जाता है फिर कुछ नए लोग आ जाते हैं इस तरह से चलता है उसी ज़माने में जो लाहौर में थिएटर ग्रुप्स रहे उनमें अजोका और पंजाब लोक रास है और पंजाब लोक रास भी एक्चुअली ये दोनों एक ही ग्रुप थे ओरिजिनली जो बाद में आपस में इनका कोई नजरिया इख्तिलाफ़ हुआ तो उसके नतीजे में ये स्प्लिट हो गया इनका और फिर अजोका का बेसिकली जो जहाँ तक मुझे पता है कि इख्तलाफ की वजह जो है वह ज़ुबान का इस्तेमाल था कि कौन सी जुबान में थिएटर करेंगे तो अजोका वाज ओपन अगरचे अजोका ने ज़्यादातर पंजाबी में किए हैं लेकिन वो उर्दू में भी करने को ओपन थे जबकि पंजाब लोक रास वाली वो जो एक अलग हो गई टीम उनका बहुत स्ट्रिक्ट वो था कि नहीं हम सिर्फ पंजाबी में करेंगे हम पंजाबी के अलावा किसी ज़ुबान में थिएटर नहीं करेंगे तो इस तरह से बहरहाल दोनों ग्रुप बहुत अरसा तक चलते रहे और आ, मैं जाती तौर तो पे मेरा उससे पंजाब लोक रास से थोड़ा सा ताल्लुक़ इस तरह से है कि पंजाब लोक रास के जो आखिरी दौर था जब वो ख़त्म हो रहा था तो उस वक्त मैंने ज्वाइन कर लिया था सन 2000 में आपने ख़त्म तो, किया उस कायम या आप ये कह सकते हैं कि जब जब मैंने छोड़ा तो उसके बाद कुछ नहीं बचा <laughs> तो लेकिन उससे मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि ये जो थोड़ा बहुत आ, मैंने आप लोगों के साथ शुरू में शेयर किया कि क्या किस किस तरह से थिएटर होता है या मैंने किस किस तरह का किया है ये एक्सपीरियंसेस मेरा ख्याल है वहाँ मैं ना होता तो मैं ना कर पाता जो सर्कल थिएटर के हैं या जो गली नाटक हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं तो वो वहाँ से आई अजोका अभी तक चल रहा है बल्कि आज ही पी में उनकी परफॉर्मेंस भी है बुल्ला की तो वो सारा है अच्छा आपके पास हबीब तनवीर के हवाले से कोई और आप बात करना चाह रहे हैं नहीं आप बात करें मैं, मैं काफी बोल चुका फिर मैं अच्छा मैं जस्ट ये कि अवामी थिएटर के हवाले से जो बहस थी उसको अभी थोड़ा और आगे चलाना चाह रहा हूँ तो उसमें दो तीन चीज़ें जो जो उस वक्त मैंने ज़रा छेड़ी थी लेकिन बात नहीं की उनमें एक ये था कि ये लाइंस ब्लर्स हैं मिसाल के तौर पे अगर अब ख़ास तौर पे जो आपका प्रोसीनियम में या ऑडिटोरियम में होने वाला थिएटर है वो भी एक्सेसिबल होता है काफ़ी हद तक आम आदमी तक और उसमें ऐसे मौजूद भी आ गए हैं कि जो आम आदमी की ज़िंदगी को या उस, उसमें हो सकता है कि करैक्टर जो लीड करैक्टर है या प्रोटैगनिस्ट है वो कोई आम आदमी हो वो ज़रूरी नहीं कि वो अब भी बादशाह ही हो या प्रिंस ही हो उस वो तब्दीलियाँ वहाँ भी आई हैं तो जो अवामी थिएटर की डेफिनेशन बनाने की कोशिश है वो हमारे लिए आ, मुश्किल होती जा रही दूसरी तरफ लाहौर वाले थिएटर पे जो जिसमें बहुत जुगतें होती हैं जिसमें कहानी नहीं होती उसके बारे में भी मसलन उसको एक लिहाज से आवामी कहा जा सकता है कि अवाम में मकबूल बहुत है आ, दूसरी तरफ टेक्निकली देखा जाए तो ऑडिटोरियम में होता है तीसरी अहम बात यह है कि उसका टिकट बहुत महंगा होता है जो कि आम रिक्शे वाला या रेड़ी वाला अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन मुझे जो उसमें चीज़ लगती है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि उसको अवामी नहीं गिनना चाहिए वो ये कि वो पसमानदा तबक़ात की नुमाइंदगी किसी तरह भी नहीं करता उसके अंदर जो जोक्स होते हैं वो आम तौर पर उन कमज़ोर तबक़ात पर होते हैं ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ाया जाता है काले रंग का मजाक उड़ाया जाता है औरत का मजाक उड़ाया जाता है छोटे कद का मजाक उड़ाया जाता है वो सारी वो चीज़ें जो एक तबके को के लिए मसाइल बनी हुई हैं इस सोसाइटी में वो उन्हीं को और उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को री करता है एक तरह से तो उस लिहाज से वो थोड़ा सा उससे बाहर निकल जाता है आ, मेरे जहन में जो आता है अवामी थिएटर के हवाले से अगर दो तीन पॉइंट्स के क्या क्या उसमें होने चाहिए तो मेरा ख्याल है नंबर वन वो पिसे हुए तबक़ात की कहानी होनी चाहिए नंबर दो उन्हीं की ज़ुबान में होनी चाहिए जो उन लोगों की समझ में आ अगर आप पिसे हुए तबकात की ट्रांसजेंडर की स्टोरी कर रहे हैं या आप किसी गरीब मजदूर की कहानी कर रहे हैं लेकिन कर इंग्लिश में रहे हैं तो जो कि वो रेडी वाले वो गार्ड वो वो सारे लोग जो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी समझ में ही नहीं आता वो उसको देख ही नहीं सकते तो फिर उसको आप कैसे कहेंगे कि अवामी थिएटर है सो तो उनकी कहानी होना उनकी अपनी ज़ुबान में होना और उनकी एक्सेस में होना मतलब जहाँ वो आके उसको देख सकें अफोर्ड कर सकें ये दो तीन बातें मेरी समझ में आती हैं सो मैं यहाँ तक रोक रहा हूँ लेकिन जाहिर है कि ये हतमी बात नहीं है इसमें आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम कोई आज के सेशन के एंड तक कह लें कि अवामी थिएटर की कोई डेफिनेशन निकाल पाएं शायद बिल्कुल ठीक एक क्लिप और दिखा दें उसके बाद मैं कुछ और इसमें से सुनाऊँगा एक क्लिप जो आखिरी क्लिप थी वो वो, वो दिखा दें तो, ऐ, तो है तो भी आदमी और मुझे तो करा है, तो तो है।, है।, तो है, तो है तो है तो भी आदमी और मुझे तो करा है।, तो तो है तो है तो भी आदमी ये स्टार्टिंग नजमें इस्तेमाल की गई हैं वो इतनी शानदार है मसलन इसमें पैसे, पैसे के बारे में नज़म है इसमें हिंदुज़म की बलदेव का मेला तो होली के बारे में भी नज़म है इस्लाम भी है यानी एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो दिखाई है उन्होंने जो मकसद था खुद नदीर अकबर आबादी का और ख़ुद हबीब तनवीर का कि सोसाइटी हमारी इंकलूसिव हो जिसमें लोग मिलजुल के रहें नफ़रतें ना हों तो बुनियादी मैसेज इस अवमी थिएटर का यही है कि अवमी मसाइल पर बात की जाए और जो जैसे मसलन ये इनकी एक मैं आखिरी सुनाता हूँ उसके बाद हम सवाल जवाब के लिए ओपन करेंगे इसको आ, एक एक इसमें एक नजम है नज़ीर अकबार आबादी के पैसा पैसा ही रंग रूप है पैसा ही माल है पैसा ना हो तो आज आदमी चरखे की माल है च, च, चर, चरखे की माल कहते हैं जब चरखा चलता है ना तो उसमें जो बुर निकल जाती है जो बेकार होती है किसी काम की नहीं होती तो आदमी अगर पैसा ना हो तो आदमी बेकार है आप इसको चरखे की माल को आप समझें कि पैसा ना हो तो आदमी बेकार है पैसा ही रूप है पैसा ही माल है पैसा ना हो तो आदमी की माल है ते वो सिपर उठाते हैं पैसे की चाट पर यानी चाट पर का यहाँ मतलब है लालच में पैसे की लालच में तेहो सपर उठ, सिपर उठाते हैं पैसे की चाट पर तीरों सिना लगाते हैं पैसे की चाट पर मैदान में जख्म खाते हैं पैसे की चाट पर यहां तक के सर कटाते हैं पैसे की चाट पर पैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है पैसा जो हो तो देव की गर्ग गर्दन को बांध लाए पैसा ना हो तो मकड़ी के जाले से खौफ खाए एंड सो ऑन एंड सो फोर तो इस तरह से ये चीज़ें इनकी अवामी मसाइल की नजमें हैं जो इस पूरे में भरी पड़ी हैं एक वाक़ मैं आखिरी आपको सुनाता हूँ इनके बारे में उससे पहले कि हम आपके सवाल जवाब लें आ, इन्होंने अपनी इनके इंटरव्यू से इन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखी लेकिन आ, पर्दा खुलता है के नाम से आ, लेकिन वो बिल्कुल आखिर में यानी वो जब पचासी साल के हो गए थे जब उन्होंने लिखनी शुरू की तो उसका वो पहला ही हिस्सा लिख पाए तो वो ही ही डाइड दी है जब एटी सेवन मेरे ख़्याल है सतासी साल की उम्र में वो 2009 में आ, फौत हुए आ, तो उससे पहले वो एक हिस्सा नहीं लिख पाए लेकिन उसमें जो एक वाक़ वाक़ तो बहुत हैं ऐसे कोटेबल जो मैं कर सकता हूँ लेकिन बात लंबी हो जाएगी जब वो उससे लाइफ स्टाइल का आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बात वो सुना रहे हैं नाइनटीन सेवेंटी टू की अब 72 में ये हैं 50 50 साल के और 50 साल का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी कम से कम 25 साल से थिएटर कर रहे कर चुके हैं बड़े अवार्ड ले चुके हैं बड़े बड़े प्लेस कर चुके हैं राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं सेनेट के एवान बाला के और उन्होंने वाक़ लिखा है कि मैं बना और मुझे एक दोस्त की किसी की अपने वहाँ छत्तीसगढ़ से कॉल कौ, क्या एक वाक्य मैं जिंदगी का भूल नहीं सकता वो मैं शेयर करता हूँ और वा, वाक़ा ये कि जब मैं राज्यसभा का मेम्बर था तो मुझे छत्तीसगढ़ से मेरे एक पुराने किसी दोस्त ने कॉल की कि ये पतनी फला बीमार है या ये है और मुझे पाँच हज़ार की ज़रूरत है और इनके पास पाँच हजार रुपये नहीं थे तो इन्होंने कहा कि मैंने उसके बंदोबस्त करने के लिए मैंने सोचा कि अब मैं राज्यसभा का मेम्बर हूँ मैं किससे मांगूँ कि अब ये दो तो बारह उन्होंने जो बंदोबस्त करना था पाँच हज़ार रुपये उस जमाने में बड़ी रकम होती होगी हो होती थी तो बाय द टाइम उसको अरेंज करने में उनको चार पांच दिन लग गए और जब वो कहते हैं कि जब वो पैसे मेरे पास आए और मैंने उसको फिर इन्फॉर्म किया कि मैं पैसे भेज रहा हूँ तो उसने बताया कि वो जिसके लिए मंगाए थे जिसका इलाज करवाना था वो फौत हो गया है तो ये मैं वाक़ पढ़ के मुझे मैं खुद हिल गया मैंने कहा कि ये लोग ऐसी लाइफ स्टाइल ऐसा लाइफ स्टाइल भी गुजार सकते हैं कि यानी इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उसके पास कोई बैंक बैलेंस ना हो पैसा ना हो और वो हैं ना कि फ़नाफिल फ़न या फनाफिल आवाम आवाम के लिए जो भी काम किया उन्होंने यही किया तो यहाँ हम गुफ्तु अगर आप और कुछ कहना चाहें क्लोजिंग में तो आप करें मेरा ख्याल है फिर अब हम इसको सवाल जवाब के लिए ओपन करते हैं शुक्रिया जी आ, बड़ी मालूमती गुफ्तगु रही आप दोनों की और हबीब तनवीर के बारे में और पीपल्स थिएटर के बारे में आई शुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट बोथ ऑफ यू और mm -hmm. हबीब तनवीर के बारे में बहुत कम लोगों को बहुत कम मालूम है और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है और ये हमारे इलाके से पेशावर से दिलीप कुमार हो या पृथ्वीराज हो या हबीब तनवीर हो ये बड़ा यानी सोच वाली बात है कि वाई इट हैज़ हैपन कि इस तरह के लोग हमारे एरिया से माइग्रेट करके दूसरी जगहों पर उनकी पज़ीराई हुई इन सब की फिर पज़ीराई वहाँ होती है अपने मुल्क में पज़ीराई नहीं होती दिस इज़ समथिंग अबाउट विच वी शुड ऑल रियली थिंक सीरियसली अबाउट दिस ये जो पीपल्स थिएटर है आ, अवामी मसाइल के बारे में बात करना और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अब पीपल्स थिएटर जो है वो ख़त्म हो रहा है और अगर ख़त्म नहीं हुआ तो जो इसके अंदर जान होनी चाहिए थी वो नहीं है और आपने कहा कि भाई और आपने बड़ा अच्छा कहा कि ऑप्रेस्ड लोगों का पाकिस्तान इज़ एन ऑप्रेस्ड थिएटर यू नो ऑलरेडी लोगों के मसाइल हैं और मैं समझता हूँ कि इन इस ऑप्रेशन को आ, आ, उजागर करने के लिए पीपल्स थिएटर का बड़ा वो है बट यू नो अपना डॉक्टर नादर साहब एक अजीब बात है और वो ये है कि एंड आई डोंट नो वेदर यू कैन थ्रो लाइट ऑन दैट आप भी इस पर देख रहे हैं कि जो ड्रामा एक्ट है जो पाकिस्तान में राइज है जो अठारह सौ छिहत्तर का कानून है उसकी तो बुनियादी चीज़ ये थी कि आप डाइसेंट को जो है प्रमोट ना हो स्टेटस को को चैलेंज ना किया जाए और अभी पिछले दिनों जो पंजाब में छः आठ पीपल्स थिएटर बैन हो गए हैं और ये अब कहा गया कि अठारह के कानून को मजीद सख्त बनाया जा रहा है बट वाई इट हैज़ हैपन्ड के डाइसेंट का जो एलिमेंट है थिएटर जो उजागर करता है उस पर अब फोकस नहीं है शायद थिएटर वाले ख़ुद नहीं कर रहे और एक आवाज़ उठाई जा रही है कि जी थिएटर के अंदर डांस होता है और डांस जो है इसको मन ख़त्म करना है तो आप देखिए कि आपके जो पंजाब में जो अभी हाल ही में आठ या दस थिएटर बंद हो गए बाकायदा उनको बंद इस बुनियाद पे किया गया है कि यहाँ डांस होता है तो आई डोंट नो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ कि एक्चुअली तो कानून जो था अठारह का उसमें तो डाइसेंट को और जो स्टेटस को जो चैलेंज करता है उसको ख़त्म कर रोकना था बट दिस इज़ हैपन नाउ कि अब वो आ, कहते हैं जी कि इसमें डांस हो रहा है और दूसरा जी आपसे कर पता करें हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि पीपल्स थिएटर के रास्ते में अगर कोई बड़ी रुकावट है तो वो ये है कि चूंकि पीपल्स थिएटर है इसमें आम लोग होंगे गरीब लोग मुतबसल तबके वाले इसको करेंगे व्हाट वुड बी द बेस्ट फाइनेंशियल मॉडल इसलिए कि पैसा तो नहीं है ना लोगों के पास हाउ कैन यू प्रमोट इन पाकिस्तान पीपल्स थिएटर फॉर दैट व्हाट काइंड फाइनेंशियल मॉडल फिर मैं, आगे या मैं पहले करें। करें। आप करना चाहें तो कर आप आप जो बात की ना कि यहाँ से जो लोग जाते हैं वहां जाके उनको पजीराई मिलती है वो जो हमने आपको याद होगा बाचा खान पे जो प्रोग्राम किया बा था बाचा खान क्या क्या रहे थे बाचा खान कह रहे थे कि मेरे लिए काबुल से कलकत्ता तक का रास्ता खुला है इसको खुला रहने दो पाचा खान का मेन पॉइंट यही था ना और वो क्यों कह रहे थे वो कह तो मेरे लोग यहाँ से जाते हैं जाके काम करते हैं काबुली वाला कलकत्ता में कारोबार करता है दिलीप कुमार वहां जाके अदाकारी कर रहा है और हबीब तनवीर को हमने अभी देखा तो ये सारा कुछ था तो अब विजन जो था वो बाचा खान के पास था या किसी और के पास था मेरे ख्याल में तो बाचा खान के पास था कि वो जो देख रहे थे और उसका नतीजा हमने देखा कि जो हम अब भुगत रहे सारा कुछ तो ये आपका ये है कि और हमारे ये हमारे यहाँ यही हुआ कि वो जो सारे लोग थे कि जिनको पजिराई मिल सकती थी ना सिर्फ ये कि उनको पजिराई नहीं मिली बल्कि उनको कुचला गया आर्ट एंड कल्चर को मारा गया और फिर ये जो हाइपर रिलीजियोसिटी फैलाई गई माशरे में उससे मजीद वो सारा जो एक सकाफ़त था फ़न सकाफत उन सब का गला घोटा गया ना तो ये हम जो आज भुगत रहे हैं सारा ये इसीलिए और ये हल ये नहीं है कि ये थिएटर को बंद कर दिया जाए ये जो लॉबी हमारे यहाँ है कि ये इसको बंद किया जाए असल में उसमें ये है कि वलगरिटी होती है उस वलगरिटी को आप रोकें ना अगर जो जूमानी उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं डायलॉग है लच्चरपन होता है आप उन थिएटर को जिनको बंद किया गया है उनकी आप वीडियोज़ देखें तो उसमें ख़वातिन को की बॉडी को जिस तरह से एक्सपोज़ किया जाता है लच्चर तरीके से वो घिन आती है देख के यानी उनके डांस और उनके वलगर भी क्या ऑप्सिन इंतहा दर्जे की उसमें दिखाई जाती है अब उसका हल ये था कि उसको रोका जाता ये हल नहीं था कि थिएटर को ही बंद कर दें उसका हल ये था कि भाई आप ये लच्छरपन को बंद करें और इसके इस मुकाबले में बेहतर थिएटर पेश की। उन्होंने ये किया कि सील कर दो आर्ट थिएटर सील कर दिए ये मसले का हल नहीं है जी नहीं। अब दो आपकी बातें थी एक डायसेंट के हवाले से तो एक तो ये कि डायसेंट तो वो पहले मार चुके हैं डसेंट की गुंजाइश तो अब थिएटर में या फिल्म में नहीं है आ, हमने परसों ही यहाँ पे वो ज़िंदगी तमाशा पे एक प्रोग्राम किया है आ, अब ज़िंदगी तमाशा जितने लोगों ने देखी है हर कोई उस उसके नीचे अब जाके कमेंट्स पढ़ लें वो जो वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे की है उसमें हर कोई ये पूछ रहा है कि इसमें क्या था जिस पर इतराज़ था क्यों ये नहीं लग सकी ये फ़िल्म ना उसमें मसला क्या था अच्छी बुरी चले वो आपके व्यूज़ होंगे लेकिन उसमें काबिल ऐतराज़ चीज़ क्या थी वो किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो वो है कि अब डाइसेंट आप हम एक सादा समझ हमने जो प्ले किया था पार्टीशन के हवाले से एक प्ले था दाग दाग उजाला के नाम से जो पार्टीशन की ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड था और हम ड्रामा शुरू होने से पहले कहते थे कि जो कहेंगे सच कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो जिससे कोई नज़रिया पाकिस्तान को कुछ हो जाए या ए, किसी भी और इस तरह के जो स्टेट नैरेटिव है लेकिन आर्ट होना है तो आर्ट ने अपनी कोई बात करनी है मेरा कहना आ, मेरा यानी ख्याल ये है कि आर्ट जहाँ कहीं भी होगा वो बीच में डैसेंट का एलिमेंट कहीं 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 ना कहीं से निकल आएगा लिहाजा आप उसको बंद कर दो सो पी एन सी ए में वो प्ले नहीं हो सका उस पर वो हमें ऑब्जेक्शन नहीं बताया गया कि यहाँ पे इस डायलॉग में या इस सीन में मसला है बस नहीं हुआ वो नहीं हो सकता सो हमने तो उसके बाद से छोड़ दिया अब सरकारी उसमें आप जाते हैं आपको पहले स्क्रिप्ट जमा कराना होता है वो स्क्रिप्ट पता नहीं कौन लोग पढ़ते हैं रिव्यू करते हैं कोई आपको सिस्टम की समझ ही नहीं यानी थिएटर करते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं इस मुल्क में लाहौर में भी किया यहाँ भी किया मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि वो सिस्टम काम कैसे करता है आप पी में करना है आपने किसको जाके कब स्क्रिप्ट डिलीवर करना है कौन उसको रिव्यू करेगा <laughs> वो कौन लोग हैं वो किस दिन मुझे उसका फ़ीडबैक मिलेगा क्या होगा यू नो नथिंग कोई स्टेटेड पॉलिसी या प्रोसीजर मौजूद नहीं है सो so, ये चीज़ें तो उन्होंने पहले मार डाली थी लैसेंट वैसेंट और इस तरह की चीज़ें लिहाज मेरी नज़दीक स्टेट पॉलिसीज खुद एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह का लचर थिएटर होने की हाँ। उस पर आपको इशू नहीं है क्योंकि वो लोगों को सोचने पर मजबूर नहीं करता आपको उन चीज़ों से फिल्मों में भी कितनी फिल्में ऐसी चली गई हैं लेकिन ज़िंदगी तमाशा के साथ मसला है क्योंकि वो कहीं थोड़ा सा कुछ आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि यार इस सोसाइटी में ये क्या हो रहा है वो नहीं होने देना लिहाजा उस तरह का ड्रामा नहीं हो सकता है उस पर वो इतना क्लोजली उसको जो है ना रिव्यू करेंगे स्क्रिप्ट को और उसमें से कीड़े निकालेंगे तरह तरह के और ये वो सो डेंट को उन्होंने पहले मार दिया था अब जो पीछे थोड़ा बहुत बच गया है उसका उन्होंने क्या करना है मैंने मैं उनके क्लिप्स देखता हूं और मैंने स्टिल उनके अंदर बाज़ दफ़ा ऐसे जुमले ऐसी चीज़ें देखी हैं जो स्टेट पॉलिसी को हिट करती हैं दीगे? सुहेल अहमद की या किसी की इस तरह वो उसके अपने सारे लचरपन के बावजूद सारी बेहूदगी के बावजूद उसके बीच में फिर कहीं ना कहीं कोई जुमला उनके मुँह से निकल जाता है कुछ चला जाता है तो वो वो भी बर्दाश्त नहीं अब अम आप उस दिन हम आपस में बात कर रहे थे कि, कि किस लेवल का कंट्रोल आप माइक्रो मैनेजमेंट कर रही हैं कि छः सितम्बर को इवेंट क्या होगा ओपन कैसे होगा क्लोज कैसे होगा उसमें मेहमान खसूसी कौन होगा यहाँ तक तो आप आ गए आपका कंट्रोल तो उसके बाद पीछे बचा गया लिहाजा हमारे जैसे ग्रुप फिर उस सारे उससे बाहर निकल के कोई थोड़ी थोड़ी जगह ढूंढ रहे हैं जिसमें हम करते हैं और वो जगह बंद कर दी जाती हैं यहाँ पे कुछ खास एक जगह थी हम वहाँ थिएटर किया करते थे वो बंद हो गया ठीक है इस जगह का मुझे नहीं पता कब तक चलती है हम तो यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ क्या होगा दूसरा आपका सवाल था फाइनेंशियल मॉडल पे फाइनेंशियल मॉडल मुझे यानी इस तरह से जो है ना जिस तरह इन्होंने किया है मुझे यही तरीका समझ में आता है और मैं जिस हद तक थोड़ा बहुत कर रहा हूँ उसमें मैं कोशिश यही करता हूँ लेकिन मोस्टली जो स्पॉन्सर्स या वो होते हैं वो इस तरफ जाते नहीं हैं कि हमें उन्हीं लोगों में से एक्टर्स लेने होंगे वही वही लोग उनके लिए ड्रामा करें मैं मैं बहरह अब इस वक्त मिडिल क्लास हूँ ना मैं लोअर क्लास में से तो नहीं हूँ कभी था अब नहीं हूँ मेरे पास गाड़ी है मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ मुझे तो आप लोअर क्लास का नहीं गिन सकते किसी भी तरह तो वो उन लोगों को ही करना होगा जो लोग करते हैं हमें उनको फैसिलिटेट करना होगा कुछ थोड़ा बहुत उनको गाइड करना होगा मैंने इस वाले मॉडल पे काफ़ी सारा काम किया है काफ़ी सारा काम इस तरह से मुझे मेरे पास आमतौर पे जो यानी मेरा कमाने का ज़रिया है थिएटर में और कोई कमाने का तरीका कोई भी नहीं है जो हम इस्लाम में करते हैं वो सारा हम जेब से पैसे खर्च करते हैं आ, वो एन का थिएटर है क्योंकि एन आ जाती हैं कि जी डोमेस्टिक वायलेंस पे कर दें चाइल्ड मैरिज़ पर कर दें गर्ल्स एजुकेशन पर कर दें ये वो और वो आमतौर पे पहले आपसे एक सारा सारा कुछ पहले मांगते हैं इवन बाज़ तो कहते हैं स्क्रिप्ट भी पहले दें उनके साथ मेरी ये लड़ाई रहती है कि भाई मैं यहाँ बैठ के मुजफ्फरगढ़ के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिख सकता हूँ मैं वहाँ जाऊँगा जाके मिलूंगा लोगों को देखूंगा वहाँ लोग किस तरह के हैं क्या करते हैं और चाइल्ड मैरिज़ पे इस्लामाबाद में बैठ के तो मैं मेरे पास किताबी सी आर्गूमेंट्स होंगे ना जो आपके कम्युनिटी मोबलाइजर ऑलरेडी जाके दे रहे हैं आप लोगों को जा क्या कहते हो चाइल्ड मैरिज बच्ची जी अभी टीन होती है वो पूरी तरह बॉडी डेवलप नहीं होती है आ, उसको अगर वो शादी कर देंगे तो उसकी कम्प्लिकेशन हो जाएंगी उसका हमल गिर जाएगा वगैरह 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 ये सारा आप वहाँ कर रहे हैं और ये काम नहीं कर रहा इसलिए आप मेरे पास आए हैं कि थिएटर करो ठीक है और आप फिर मुझसे चाहते हैं कि मैं इसी तरह की चीज़ थिएटर में करके आपको फिर दे दूँ वो फिर काम नहीं करेगी तो मेरा तो तरीका ये है कि मैं फिर कम्युनिटी में जाता हूँ और मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि उस इशू को खुद कम्युनिटी किस तरह देखती है वहाँ मुझे बाबा जी बताते हैं कि पुत्र तेरह चौदह साल दी हो गई है मैं मज़दूरी जाना होंगे तो पीछे एक कली होंगी है घर आप इस इशू को एड्रेस ही नहीं कर रहे आप जाके सुनाते रहें अपनी मेडिकल की सारी वो इसलाहें और ये वो तो आम लोगों में जाएंगे आम ये हबीब तनवीर का यही कमाल था कि वो उन्हीं लोगों के साथ काम करते थे और उन्हीं से स्क्रिप्ट या सीन्स जो हैं वो डेवलप करवा इसीलिए वो शायद पहले लिखते नहीं थे वो मोस्टली अनपढ़ लोग होंगे जिनके साथ वो काम कर रहे होंगे लिखने वाला और लिख के दे तो ये इन स्टूडेंट्स को मैं लिख के दूंगा ना तो ये पढ़ लेंगे और ये याद कर लेंगे लाइनें अगर मैं अनपढ़ एक देहाती के साथ काम कर रहा हूँ तो उसे मैं लिख के कागज़ क्या दूंगा उसको तो किसी और तरह से काम करना होगा सो so, वो मेरा ख्याल ये है कि कम्युनिटी खुद ही उसको और वो अगर कम्युनिटी में से लोग होंगे तो उनके रेट्स भी लाखों में नहीं होंगे वो उनके अपने लोग होंगे और वो खुद ही उसको जो है तो मैनेज uh, कर सकेंगे सो so, वहाँ हमें और इंडिया ने खुद भी यही किया है कि कम्युनिटी में ही जो लोग खुद करना चाह रहे थे या कर रहे थे उनको फैसिलिटेट किया गया उनको ट्रेन किया गया ताकि वो अपनी कम्यूनिटी में यही काम करते रहें गालबन ये बात आप ही ने मुझे बताई थी तो आप ज़्यादा शायद इस पर तफसील से बात कर सकते हैं आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब जहाँ तक दे सकता था दे दिया बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का नाजिर साहब और सफीर साहब सच्ची बात है कि बहुत इन्जॉय किया बहुत मज़ा आया आपकी गुफ्तु सुन के अच्छा मुझे आज पता चला कि ये आज आज में अजमल कमाल छपा करते थे हबीब तनवीर का पर्दा खुलता है तो मैं सोच रहा था ये बंद क्यों हुआ ये किसतवार छप रहा था उसमें कि ये बंद क्यों हुआ तो वो फोर्थ हो गए थे इसलिए बंद हो गया था शायद मतलब तो ये 90s ही की बात है या नाइन्टीज़ के बाद की बात है बहर हाल ये जो अभी बाबर साहब बात कर रहे थे मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी बात है ये इसको पोलिटिकली एड्रेस करना होगा ये इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ सप्रेसिंग ड दे, ये इस कनोलियल स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो मेरे ख्याल इसको पॉलिटिकली एड्रेस करना मेरे जो सवाल थे मैं सवाल की तरफ आता हूँ एक सवाल तो मेरा यही पता नहीं आप का इस तरफ ख्याल गया होगा कि नहीं गया होगा नाजिर साहब अगर आप इस पर बात कर लें नाइनटीन आपने कहा कि हबीब तनवीर साहब नाइनटी को पैदा हो गए थे नाइनटीन में अंजुमन ना बना अंजुमन असलाफागना के तहत जो स्कूल बने आज़ाद स्कूल बने उसमें थिएटर बायदा एक मजमून के हैसियत से मौजूद था।, 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 था और हर साल सालाना बल्कि शशमाह ही जो उनके प्रोग्राम होते थे तो बहुत बड़े बड़े मजमों के सामने वो थिएटर करते थे अब्दुलकबरहान अकबर साहब ने लिखा हाँ बिल्कुल नवाज़ जलिया साहब ने बहुत अच्छे लिखे और वो थिएटर हुए पत्नी आप इसको अवामी थिएटर कहेंगे पॉलिटिकल कहेंगे जो भी कहेंगे बड़े बड़े मजमे होते थे जो उस पर मफ़ी साहब ने उसमें लिखा खादि मोहम्मद अकबर साहब ने लिखा बहुत सारे लोगों ने लिखा उसमें और उस पर थिएटर बहुत मेरा मेरा ख्याल ये है कि नाइनटीन वन से लेके नाइनटीन थर्टी तक यानी ये जो किस और टक्कर और स्पिन तंगी का वाक़ा है उस तक ये बहुत बड़े बड़े थिएटर हुए तो उस पर अगर आप कुछ बात कर लें कि इसको किस ज़ुमे में आप डालना चाहेंगे दूसरा छोटा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि पी एन सी ए में असल में मैं पी एन सी ए को भी समझना चाहता हूँ एक अरसे से यहाँ पर मौजूद है तो आपने कहा एक ही थिएटर में कर सका और फिर दूसरा मैं नहीं कर सका तो वजह क्या थी उसकी दूसरा क्यों नहीं आप कर सके उसकी वजह तो मेरा ख्याल है मैंने बयान कर दी थी कि हमारे जितने भी हम थिएटर करते हैं उनके मौजूद बहुत मुख्तलफ़ होते हैं वो उस तो वो स्टेट नैरेटिव के अगर बहुत कह लो कि डायरेक्टली अगेंस्ट नहीं भी हैं तो भी वो बहर वो जो मैंने अभी बात की कि कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं सो अगर हम दाग दा उजाला कर रहे हैं तो वो मतलब दागदा उजाला जो है इससे पहले हमने एक रिसर्च वर्क किया था जिसमें हमने बहुत सारे पार्टीशन सर्वाइवर्स को आ, वो किया था इंटरव्यू किया था उनमें से बाद इंटरव्यूज तीन तीन चार चार घंटे के हैं कि उस वक्त क्या हुआ था हमने उस पर कोई पोलिटिकल स्टांस उस प्ले में नहीं ली है हम वो जो हमने कहा ना हम कहते थे कि जो कहेंगे सच कहेंगे और जो हुआ है वो बता रहे हैं उसमें से नतज़ आपने ख़ुद निकालने सो तो इन्होंने शायद कोई और नतीजा निकाल लें आप कोई और निकाल लें वो कोई और निकाल लें तो नतज निकालने पर तो मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकता और ना मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ मेरा काम है एक चीज़ आपके सामने रख देना कि ये हुआ था सो वो उस वजह से वो मसाइल पैदा करते हैं वो अच्छा इसके अलावा अगर दो तीन में और साइड की जो जाना चीज़ें जो प्रैक्टिकल सी चीज़ें हैं वो ये है कि इस तरह के जो इदारे हैं इनका स्टाफ आमतौर तौर पर वो नौ से पाँच वाली नौकरी अब ये सारे इदारे सुबह नौ बजे खुल जाते हैं उनके स्टाफ को बहुत तकलीफ़ होती है कि शाम को छः सात बजे लोग आके बैठ जाते हैं और ये रात दस बजे तक बैठे रहते हैं सनोबर यहाँ बैठी हैं हम लोग लोक विरसा में रिहर्सल करते थे वो जो एक बंदा बैठता था जिसको नौ बजे साढ़े नौ बजे हमने जाना है तो उसने हॉल बंद करना है उसको बहुत तकलीफ़ होती थी कि यार ये लोग जाते क्यों नहीं हैं ये नौ दस बजे तक क्यों बैठे रहते हैं मैं ये कई फॉर्मल यानी सरकारी फोरम्स पे भी ये बात कर चुका हूँ कि इन इदारों को सुबह नौ बजे क्यों खोलते हैं आप अकेडमी ऑफ लेटर्स अकेडमी ऑफ लेटर्स में हम गए हमने लिटरेरी इवेंट करना था कहा तीन बजे कर लें तीन बजे कौन आएगा hmm. उन्होंने कहा कि हम पाँच बजे चले जाते हैं पाँच बजे के बाद नहीं हो सकता अब अगर मुशायरा करना है आपने तो आप तीन बजे से मतलब पाँच बजे से पहले कैसे कर ये ये सारे इवेंट्स तो छः बजे शुरू होने वाला काम है ना तो इन सारे इदारों की कोई टाइमिंग ठीक करें यार ताकि इनको ये तकलीफ ना हो कि हमें हम सुबह नौ बजे के आए हैं रात दस ग्यारह बजे तक बैठना पड़ रहा है इस तरह की भी चीज़ें हैं बाकी अगेन एक मैंने उस दिन बात की थी अकाउंटेबिलिटी की क्या इन इदारों को आप इतना सारा बजट देती हैं इनसे आपको कोई होता है कि अच्छा इस बजट में इन्होंने क्या क्या करना है पी एन का एक ऑडिटोरियम पड़ा हुआ है अगर वो साल में नहीं पूरे साल में एक ड्रामा हुआ है उसके मैनेजमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है इससे क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है कि भाई इतना बड़ा अरबों रुपया लगा के लिटरली उसका अरबों का वो होगा पड़ा हुआ है वो नहीं यूज़ हो रहा उसको साल में कोई तो तय करे ना कि यार साल में तीन दिन होते हैं कम अज़ आस कम सौ ड्रामे तो सौ दिन तो उसमें कोई परफॉर्मेंस हो कोई तो मिनिमम वो रखे ना कि इतना तो हो तो फिर वो काम करेंगे अब काम नहीं हो रहा है सरकारी एक उसमें और आपकी नौकरी लगी हुई है उसके बीच में कुछ टीम हमारी जैसी टीम आ जाती है उनको मसला हो जाता है यार अब इनके लिए हॉल खोलना पड़ेगा अब इनके लिए लाइटें जलानी पड़ेंगी वो बाकायदा रोड़े छोटा जो स्टाफ है वो बाकायदा रोड़े अटकाता है लोक वरसा अब ऐसे जैसे टॉप पे फौजिया सईद आ गई थी लोक वरसा में भी फिर बाद में पीएनसीए में भी लोक वरसा में उन्होंने एक हाल हमें थिएटर वाले को दे दिया कि ये आपका आप यहाँ आके रिहर्सल किया करें हम लोग अगले दिन गए वहाँ वो चाबी किसके पास है इसके पास है उसके पास है ये इतनी देर में आए वो वो तो बंदा जी चाय पीने कहीं चला गया था अभी आ जाता है डेढ़ घंटा लगा वो हाल खुलने में तो ये तो छोटी छोटी रोज़मर्रा के जो मसायल हैं और जो बड़े लेवल पे मसायल हैं कि जी अप्रूव नहीं हो रहा ये यूँ ना करें ये यूँ ना करें एक बंदा बदल जाता है लोक विरसा में सनोबर प्रोड्यूसर थी मैं डायरेक्टर था प्ले का परफॉर्मेंस उनके साथ हमारा और बाकायदा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था कि जी यहाँ पे रिहर्सल हुआ करेगी और यहाँ परफॉर्मेंस होगी ये सारा कुछ तय था परफॉर्मेंस से मेरा ख्याल तीन दिन पहले डायरेक्टर चला गया था उसके टर्म पूरी हो गई थी जिस दिन उसकी टर्म पूरी हुई है उससे अगले दिन जिस हॉल में हम रिहर्सल करते थे वहाँ ताला लगा हुआ था और मेरे एक्टर्स जो उस, मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए थे वो उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ तुम लोग अंदर क्यों नहीं हो हाल के में इधर क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा जी वो चौकीदार आया था और उसने हमें बकायदा गालियाँ दी हैं कि जाओ दफा हो जाओ यहाँ कोई ड्रामा नहीं हो रहा वो गालियाँ मैं संसर कर रहा हूँ तो इस तरह के एटीट्यूड्स हैं उनके ऊपर से कोई जो है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए और ऑफ कोर्स ये ड्रामों के स्क्रिप्ट रिव्यू होने हैं ये वो ये बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है ड्रामे का स्क्रिप्ट कौन रिव्यू करेगा डिप्टी कमिश्नर वहाँ कोई उस तरह का बंदा बैठाएं ना ठीक है लेकिन इस तरह की खैर बहुत सारी चीज़ें बहुत बात फैलती चली जाती है मेरे लिए उसको कंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है आप कुछ कहना चाहते हैं और कोई सवाल ले अगर किसी का सवाल है तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया और हमेशा जो है वो कुछ मालूम ही फराम की जाती है और इस नाम से मैं भी वाकिफ नहीं हूँ लेकिन मैं जानना चाहूँगा आखिर में आपसे कि इन्होंने थिएटर तो बनाया इंडिया के कितने एक्टर्स को भी बनाया उनके हाँ। नाम मैं जानना चाहूँगा क्योंकि मैंने सुना है बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आज तक मौजूद हैं कर रहे हैं एक मैं कमेंट करना चाहूँगा कि बात हो रही है कि हमारे यहाँ थिएटर बंद किए जा रहे हैं तो ये काम तो अस्सी के दहाई से पहले शुरू हो गया था नफ्स पे हाथ रखा और उसके बाद इन तमाम चीज़ों के बदल फराम कर दिए गए मसलन फ़ितरत है जानदार की कि वो डांस करता है तो उसको बदल दिया धमालों के साथ कि आप नाचो लेकिन थोड़ा हलाल तो वो धमालों के अंदर नाचते हैं और वो हलाल हो जाता है अगर आपको शायरी का शौक़ है तो आप कवालियाँ लिखें नाते लिखें आप शायर हैं आपको उस तरफ नहीं जाने दिया जाएगा वो एक बड़ा प्लेटफार्म फराम किया जाता है अगर आप थिएटर के शौकीन हैं तो या स्टैंड अप कॉमेडी के शौकीन हैं तो आपको भी एक स्टेट फराम कर दिया जाता है तो याखाल पर जितना चाहे हंसवाएँ तो वहाँ पर लोग वाकई ठाटे मार मार के हंस रहे होते हैं जब वो दूसरे फिरके या मसलक के ऊपर कोई बात कर रहा होता है तो मुख्तलिफ चीज़ों को गाने का शौक़ है तो आप गवालियाँ पढ़ें तो वो जो गुंजाइश थी ना आगे बढ़ने की वो इस तरह से रोक दी गई है अच्छा इंडिया में ये था कि उनके मज़हब में ये सारी चीज़ें थी कि आप डांस भी अगर डांस नहीं हुआ तो शादियों में पूछते थे लड़की को खाना पकाना आता ये बाद में पूछते थे पहले पूछते थे डांस करके भी दिखाओ उसको गाना कैसा आता है तो वो तो उनका कल्चर का हिस्सा था वो चल पड़ा मज़हब में उनके भगवान बनाना वो बनाना कोई मयू बात नहीं है तो रामलीला मतलब वो वहाँ वो उस पर काबू पा गए उन्होंने बढ़ा लिया हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ एक तस्वीर भी आ जाएगी ना शबी वाली तो वो उस पर भी बड़ा एतराज़ हो जाएगा तो हमारी दवाई का जो सबसे बड़ा थिएटर तबाह हुआ या फ़नून लतीफ़ा तबाह हुआ उसका सबसे जो मेन रीज़न है वो ये कि रियासत जिस नाम पर बनी है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें लघु तस्वर की जाती हैं तो डॉक्टर साहब आप बताएँ कि पीपल्स थिएटर के कारनामे और इन्होंने कितने लोग तैयार किए हैं जो बाद में बड़े वैसे नाम, नाम जो मैंने जहाँ तक मुझे पता है बहुत से लोगों ने इनके इनके बारे में कहा जैसे नसीरुद्दीन शाह का मैंने वो इनको बहुत मानते थे नसीरुद्दीन शाह ये मैं नहीं कह सकता कि वो कितने दिन बर रास्त इनकी तरबियत में रहे क्योंकि वो लोग नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी वगैरह ये तो जो पुना में वहाँ पुणे में इंस्टीट्यूट है उससे भी बहुत से तरबियत लेके निकले हैं ना हमारे यहाँ तो कोई ऐसा तरबियत का इधारा नहीं है वहाँ तो ये बात आपकी सही है कि वहाँ मज़हब में है अब असल में हबीब तनवीर भी यही कहा करते हैं कि तीन चीज़ें अवामी थिएटर या कोई भी थिएटर हो वो अपनी वहाँ की भाषा में कह लें आप कहते थे कि इसके तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो लाजमी है उसके बगैर नहीं हो सकता एक तो नाटिया यानी नाटक नृत्या यानी डांस और संगीत यानी मौसीकी और शायरी अच्छा अब ये चीज़ें नहीं होंगी अगर तीनों तो इसके बगैर आप कर नहीं सकते नाटिया नृतिया और संगीत हमारे यहाँ इन तीनों चीज़ों को ख़त्म किया और वो उसकी वजह यही अच्छा ये यह कहना गलत है कि सिर्फ वहाँ था हमारे कल्चर में डांस है पंजाब में क्या डांस नहीं रहे हैं लुडी भंगड़े किसने नहीं डाले अब अभी तक होते रहे थे पख्तनखा में क्या डांस नहीं रहा है मौसी नहीं रही है संगीत नहीं रहा है ये सारी चीज़ें नहीं हैं संगीत भी रहा है न, 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 और नृत्या भी रहा है यानी डांस न, 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 यही है ना सारी चीज़ें लेकिन ये बात आपकी सही है कि ये मजहब जो हमारे यहाँ जो हाइपर रिलीजियोसिटी फैलाई गई यानी ज़रूरत से ज़्यादा इंतहा पसंदी मजहबी फैलाई गई उसके नतीजे में अब आम लोग भी यानी गानों का कल्चर खत्म हो गया ना हमें याद है हम छोटे थे तो आपको गाने बजते हुए नजर आते थे आप कहीं ढाबे पे चले जाएं आप वहाँ मूसी बज रही है गाने बज रहे हैं आप सुन रहे हैं चाय पी रहे हैं अब आपको सुनाई देता है बस में बैठ जाएं यहाँ से हम जाते थे कभी लाहौर चले जाएं तो बस में रिकॉर्डिंग बज रही होती थी अब आप बस में बैठे हैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाई देती है नहीं तो ये उस पूरे माशरे को नंबर एक तो वो इंटॉलरेंट बनाया गया दूसरे उनको सकाफ़त दुश्मन कल्चर दुश्मन बना दिया पूरी कौम को तो अब वो कौम हमारी इतनी यानी अदम बर्दाश्त उसमें इतना अदम रवादारी इतनी आ गई है और हाइपर रिलीजियोसिटी इतनी छा गई है कि उससे कैसे निकला जाए ये अब पता नहीं है ये तो एक हम उसकी पताल की तरफ हम घुसते चले जा रहे हैं जी आप कुछ पूछ रहे थे जी सर मैं तो जब भी ब्लैक होल आता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है जैसे सफ़ीर भाई भी कह रहे थे कि जो लाहौर में थिएटर होता है वो एक आपने भी बताया कि काफ़ी वलगर है और वो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बरे सगीर की पार्टीशन से पहले तो ये थिएटर इंडिया में या बड़ सगीर में तो ये नहीं किया जाता था एक्टिवली तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि ये जो लाहौर में जो एक जुगतबाजी और ये हो रहा है इसकी जो शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही थी इसकी शुरुआत ढूँढना तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है जुगतबाजी का कल्चर पंजाब में तो काफ़ी पुराना है भांड जो है वो यहाँ बहुत पता नहीं कितनी सदियों से आ रहा है और वो करते थे जुगतबाजी इट शायद इतनी बुरी बात नहीं है उसमें जो आहिस्ता आहिस्ता ये जो वलगैरिटी आ गई है उसने मामला को ख़राब किया है सो वो अब जू जूँ बेसिकली ये हुआ कि पाबंदियाँ लगती गई हैं सोसाइटी में आप इसका भी मजाक नहीं उड़ा सकते आप उस पर भी बात नहीं कर सकते आप उस पर हर ताकतवर तबका जो है वो आप उस पर बात करोगे तो वो तो लठ ले आ जाएगा आपके पास तो उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता ये होता चला गया कि वो जो कमज़ोर तबकात हैं मजाक का निशाना फिर वो बनने लग गए लिहाजा अब आप, आप किसी अमीर आदमी का मजाक नहीं उड़ा सकते आप महबी उसका मजाक नहीं उड़ा सकते आप किसी फ़ौजी का मजाक नहीं उड़ा सकते वकील का मजाक उड़ाएंगे वकील खड़े हो जाएंगे कुछ अरसा पहले एक सिंधी लड़की ने जो कि अब ख़ुद सिंधी है उसने सिंध के कल्चर पे कोई कॉमेडी स्टैंडअप कॉमेडी का वो किया था उस पर सिंधियों की तरफ से इतना शदीद व रद्दमल आया तो हर कोई इतना सेंसिटिव हुआ पड़ा है अपनी शनाख्त और अपने कल्चर और अपनी चीज़ों के बारे में कि बात करना मुश्किल है तो ऐसे में फिर उनके पास भी मेरा ख्याल है ले दे के यही बचता है कि वो खुसरे का मजाक उड़ा लें वो किसी गरीब आदमी का रेडी वाले का मज़ा आप देखें इवन अच्छा मुझे तो हैरत होंगे इस तौर पे मैंने कुछ कपिल शर्मा के जो क्लिप्स देखे हैं कि वहाँ भी वो हर वक्त एक गरीब आदमी का मज़ा तू इतना गरीब है कि तू ऐसा है तू इतना गरीब है कि तू ऐसा है वहाँ भी ये चल रहा होता है तो ये एक ट्रेंड है इसको इसका डोमिनेट कर जाना जो है वो मेरा ख्याला प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर चीज़ें सारी चल रही होती हैं ठीक है सिर्फ ये कि डोमिनेट कौन सी चीज़ें कर रही हैं वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर है हम हम आप बैठ के भी गंदे जोक्स सुनते भी हैं सुनाते भी हैं जिनको बहुत दावा है मुहजब होने का अच्छा मुझे नहीं पता अब मैं अब मैं अगर आपका सुनाया हुआ कोई जोक सुना दूं यहाँ पे फिर चले <laughs> <आगे। laughs> बहुत बहुत शुक्रिया आ, सब ने जितना सीखा उतना ही उससे ज़्यादा मैंने सीखा होगा थिएटर से अब कुछ अरसे से मेरा भी इस तरफ ध्यान है आ, लोगर अफगानिस्तान में जो है फिर खोस्त और पर नार्थ वजरस्तान बन्नू और आ, ये जो इलाका है डिस्ट्रिक्स है ख़ासकर लकी मरवत यहाँ पे एक रिवाज है इस तरह अवामी थिएटर का उसमें ऐसा होता है नॉर्मली के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके इश्यूज पे बात करते हैं और फिर उनको मना भी वही करते हैं नॉर्मली लेकिन नॉर्थ वजरस्तान में उनका एक पैटर्न है वैसे आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ शायद आपने देखा होगा एक तरीका ये कि लगत होती है मतलब शेर शेर के ज़बान में एक दूसरे से मुकालमा करते हैं तो एक करैक्टर होता है कोई भी पुलिस वाला कोई पॉलिटिशन दूसरा कोई उस्ताद हो सकता है कोई गरीब हो सकता है तो वो आपस में इस तरीके से बात करते हैं डोल वाले होते हैं और बाजे वाले होते हैं बीच में वो तो फिर वो करैक्टर चेंज हो जाते हैं वो अगर हार जाता है या पीछे हो जाता है फिर एक और बंदा आ जाता है तो इस तरीके से वो मुख्तलफ़ आइडेंटिटीज़ जो प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़ है या माशरे के तबक की जो आइडेंटिटीज़ है उस पर वो अक्सर इस तरीके से करते हैं नॉर्थ वजीरस्तान की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसे हुआ कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ के रियासत की बात तो वो करने लगे तो वो सोशल मीडिया पे आ, यूट्यूब से बड़ा पॉपुलर हुआ है वो अभी तक लोग उसको देख रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग फिर सियासी एक्टिविटीज़ में भी आ गए अभी भी है लेकिन उनका ये जो फ़र्क है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे नॉर्मली तबकात पे भी बात करते थे अभी वहाँ पे एक ग्रुप है चंद इंडिविजुअल्स हैं नईमी के नाम से लकी मरवत के इलाके में हैं तो वो इस तरह लोग इकट्ठे होते हैं और उन पर बात करते हैं लेकिन उन्होंने तो मैं ये सोच रहा था कि नॉर्मली हम यहाँ पर बैठ के हमने जो बात की वो इस्लामाबाद की बात की नॉर्मली या हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो पेफरीज में जो लोग काम करते हैं किसी तरीके से जो बाबर साहब ने कहा कि फाइनेंशियली वो किस तरीके से ख़ुद को मैनेज करते हैं तो वो वहाँ पे जो लोग चंदा देते हैं और उसी वक्त जैसे पैसे कलेक्ट करते हैं बाजे डोल के तो उस तरीके से वो चलाते हैं उन पे थोड़ा सा काम होना चाहिए अगर उनसे कोई भी इदारा ये जो एन जी ओज़ की बात करते हैं मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनको एक्सेस करता हूँ अब मेरा इरा इरादा है कि इस तरह के लोगों कम अज़ कम बीस लोगों पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने का मैं सोच रहा हूँ इसके लिए तो ये है कि वो लोग कम से कम वो आ जाएंगे उनका पूरा फाइनेंशियल पैटर्न सारा कुछ आ जाएगा तो ये आपकी नजर तवज्जो के लिए आना चाहता हैं आखिरी सवाल एक एक जो बातें मैं भी करना चाह रहा हूँ भारत सवाल ले लें पहले सवाल फिर मैं हम दो जवाब अच्छा सफेल साहब आपसे स्पेशल क्वेश्चन है वो ये है कि जितने चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में कल्चर वाइज पोलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली फैंनशली सारा कुछ जहन में रखते हुए कल्चर को खसूस मैं कहता हूँ क्योंकि कल्चर बहुत बड़ा फ़र्क डालता है और कल्चर जब एक दफ़ा चीज़ डेवलप हो जाए चाहे वो किसी भी आइडियालॉजी के बैकग्राउंड पे हो या पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे हो या किसी भी वजह से हो तो उसके बेस पे होते हुए यानी सारा कुछ डू यू थिंक दियज इन फ्यूचर फॉर द पीपल्स थिएटर इन पाकिस्तान बिकॉज क्योंकि जो मेला ठेला का जो कल्चर था वो भी तकरीबन आप सप्रेस हो गया जो आ गया अब मुझे नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होगा तो डू यू थिंक इट कैन सरवाइव और इट कैन रिवाइव और डू यू थिंक क्योंकि आप इस फील्ड में हैं और आपको ज़्यादा स्टेक होल्डर का भी पता है ज़्यादा कुछ ठीक है आपकी बात जो मैं एक दो बातें कहना चाहता था उनसे जुड़ी हुई भी है तो मेरे लिए आसानी हो गई है मेरा जतीी ख्याल है कि इसकी गुंजाइश है मैं अब भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कल्चरल एक्टिविटीज़ अगर आप पाकिस्तान में अमन अमान कायम कर देना और ये जो कुछ लोगों के हाथ में बंदूक है और जो आके आपके कोई एक्टिविटी हो रही है और उसमें घुस जाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं और ये वो ये अब रियासत की जिम्मेदारी है ना कि वो उसे रोके वो ना होने दें ये एक गलत हरकत है आम लोग जो भी कर रहे हैं अगर वो कानून के दायरे के अंदर है तो फिर उसे होने दिया जाए उसको कोई बाहर से जैसे अभी अगेन वो फिर बिल्कुल रीसेंट बात ये फ़िल्म की बात आई जिंदगी तमाशा की तो उस पर उस दिन भी मैंने कहा कि उसको रियासत ने नहीं रोका उसको तीन आपके जो सेंसर बोर्ड्स हैं प्रोविनशल उन तीनों ने वो, 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 वो सर्टिफिकेट दे दिया था उस पर इतराज़ हुआ दोबारा वो फ़िल्म देखी गई दोबारा सर्टिफिकेट दे दिया गया था वो पाकिस्तान में अगर नहीं चली तो उसकी ये वजह नहीं है कि सेंसर बोर्ड ने बैन की थी इस ये क्लियर कर लें अपने जहनों में उसकी वजह यह है कि थ्रेट थी उसको आज भी कोई सिनेमा हाउस लगाने को तैयार नहीं होगा क्योंकि आपको डर होगा कि कोई ना कोई आएगा और तोड़ फोड़ करेगा सो ये कल्चर हमारे मुल्क में रोकना बहुत ज़रूरी है इसके इस सारे के बावजूद मैंने कम्युनिटीज़ में जाके थिएटर किया और मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है मैं अगर अठारह बीस साल के उसमें जो कम्युनिटी थिएटर मैंने किया है गाँव गाँव जाके ठीक है मतलब सब्ज़ी मंडी में किया है मैंने पेट्रोल पंप पे खड़े होकर किया है गांव के किसी चौक में किया है उसके मैं आपको इतने पॉजिटिव स्टोरीज इतनी सारी सुना सकता हूँ कि घंटा भर आपको चाहिए होगा कम से कम भी उसके लिए सो एक सिर्फ वाक्य है जिसमें एक जगह हम लोग हम लोगों का एक तरीका मुख्तल जैसे पहले मैंने कहा कि मैं एक वेंडर बन के शुरू कर देता था एक जगह हमने ये खिड़ा की बात है कि हमने शुरू में लोगों को इकट्ठा करने के लिए वहाँ लुड्डी जो पंजाब का अपना कल्चरल डांस है वो शुरू किया उस पर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और उस पर सिर्फ़ एक बाबा जी ने इतराज़ किया कि जी ये ये बंद करें तो मुझे आके टीम ने कहा कि सर क्या करें मैंने कहा सारे लोग आराम से देख रहे हैं एक बाबा जी हैं वो इनको मैं हैंडल कर लेता तो मैंने बाबा जी को साथ लिया मैं तुम लोग अपना ड्रामा श्रामा करो और उनके साथ मैंने बहस बहस की और ये वो तो वो उनको समझ आ गई कि अब बाकी कम्युनिटी भी उनके साथ उनका साथ नहीं दे रही थी तो वो चले गए मेरा ख्याल था कि ही इज़ गॉन वो कम गया उसने पुलिस को कह दिया अच्छा जितनी देर में हम प्ले ख़त्म करते थे इतने में पुलिस वाले आ गए उन्होंने आके हम सबको उठा लिया वो फिर बाद में मुझे ये समझ आई कि पुलिस वालों का भी ख्याल था कि ये कोई जो अनपढ़ से लड़के लड़कियाँ होते हैं वो हैं और इनसे वो कोई हथियार लेंगे कुछ तो उनको अंदाज़ा नहीं हुआ उनको जब हमारे साथ डील करना पड़ा तो उनको पता लगा कि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं इनको कानून का पता है फिर जाहिर है हम किसी हम ऐसे ही नहीं चले गए थे हमारे कोई एनजीओ थी जिसके उस पर गए थे तो थोड़ी देर में वो पुलिस वाले को फ़ोन आना हमने उधर फ़नी सी चीज़ ये थी कि वो लट्ठे दी चादर उतते स्लेटी पर गाना गा रहे थे तो वो फ़ोन पर हर किसी को कहता था सीनियर्स को अपने के नहीं नहीं सर जी ये ए उतर लगे लट्ठे की चादर उतते स्लेटी तो मैं इसलिए इनको पकड़ रहा था और कोई मसला नहीं तो मैंने कहा तुम्हें लट्ठे की चादर पर मसला है कि स्लेटी रंग मसला है तो जो दूसरी दो बातें मैं इसके साथ जुड़ी हुई करना चाह रहा था आपके वो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी कि और आपने भी जो बात किया आपने अभी कहा कि वो डालते थे तो जो पुराने मेले ठेले वाले थिएटर ग्रुप थे उनमें भी टिकट नहीं होता था तो वो जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च की थी उसमें जो मुझे समझ आई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी वो बाों ने मुझे ये कहा था कि हम लोगों के आप कोई भी अच्छा वो स्टोरीज ये जो ट्रेडिशनल स्टोरीज थी जैसे हीर रांझा है पूरन भगत का एक किस्सा है जो पंजाब में बहुत खेला जाता था तो वो कहते थे कि इन सारी स्टोरीज़ में आपको कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें हीरो को भीख मांगनी पड़ती है हीर रांझा हीर रांझा जो है वो भी एक पॉइंट पे वो जोगी वोगी बन जाता है भीख मांगता है पूरन भगत में भी इसी तरह है, बाकी स्टोरीज़ में भी वो इस तरह कुछ ना कुछ तो वो वो कहता है कि वो गाना जो है वो 10-12 मिनट चलता था और उसमें वो एक्चुअली जो उसके इर्द गिर्द ऑडियंस होते थे उनसे भीख मांगता था वो अपना वो क्या कहते हैं कशकोल लेके वो फिरता था और लोग उसमें पैसे डालते थे और लोग इतने जनरसली पैसे देते थे उस वक्त कि उससे वो उनके ग्रुप भी छोटे नहीं होते थे वो भी पचास पचास लोगों के ग्रुप होते थे और वो जाते थे और वो और उनका आमतौर पर ये ड्रामा पूरी पूरी रात चलता था मतलब ईशा के बाद शुरू हुआ है और फ, आ, मैंने खुद जो देखा था वो भी जो पाक पतन का मैं बात कर रहा हूँ वो भी ईशा की नमाज के बाद शुरू हुआ था शुरू होते होते उन्होंने घंटा एक और भी निकाल दिया था और फजर की अजान के साथ वो बंद हो गया था तो वो सारी रात चलता रहता है उसके अंदर कभी गाना शुरू हो जाएगा कभी कोई डांस शुरू हो जाएगा कभी कोई सीन इनेक्ट होना शुरू हो जाएगा वो ये चीज़ें चलती रहती थी और सो वहाँ पे मॉडल ये था और हमारे यहाँ मुझे एक लगता है कि टिकट कल्चर शायद अगर हम ट्रेडिशनली पाकिस्तानी अवाम की साइकी को देखें तो शायद चूंकि वो एक है कि खुद देना है ये टिकट लगा हुआ जो मजबूरन देना है और वो ले देंगे तो फिर ये वाला कल्चर शायद इसलिए भी नहीं डेवलप हो पा रहा दे देखें। देखें तो तो हाँ शायद लेकिन इसे अब क्लोज करते हैं ठीक है बात मैंने बस इतनी करनी थी तो शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका कि आप लोग इतने इस मौजू पर इतनी देर तक बैठे रहे थैंक यू वेरी मच